आपके सपनों पर आधारित है। अगर आप ड्रीमर्स हैं, इफ यू आर अ ड्रीमर्स, अगर आप सपने देखते हैं खुली आंखों से, बंद आंखों से सिर्फ दुनिया देखती है। जो लोग खुली आंखों से सपने देखते हैं, बेसिकली ये उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको पर आपको गॉड गिफ्टेड बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें गॉड गिफ्टेड मिलेंगी। और जैसे जैसे आप इसके अंदर आएंगे, जैसे जैसे आप मीटिंग्स, फंक्शंस, सेमिनार्स में आएंगे, जैसे जैसे आप लीडर्स को सुनेंगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट नॉलेज लेंगे, जैसे जैसे बिजनेस प्लान को आप सीखेंगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर इतने चेंजेस आते जाएंगे कि कुछ समय बाद, यानी 30 से 45 दिन जब कटेंगे, अगर आपने रेगुलर बेसिस पे मीटिंग स्टार्ट कर दी लेनी सुननी और अपलाइन से और डाउनलाइन से बात करना चालू कर दिया, लोगों से बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट शेयरिंग करनी चालू कर दी, तो मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ 30 से 45 दिन के अंदर आप जो भी आज हैं, ये मेरी गारंटी है, वो आप नहीं रहेंगे। इतने जबरदस्त चेंजेस आएंगे और इन जबरदस्त चेंजेस को ही नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग सब ना, जे एक सबकी अपनी अपनी एक लाइफ है और उस लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं सेटल है। कोई बिजनेस कर रहा है ना, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है, किसी के बड़े बिजनेस भी हो सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई जॉब है, किसी की गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई शॉप ऑनर है, किसी की मॉल में शॉप है, कहीं ना कहीं हम अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे कि हम उनका पालन पोषण और अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि छोटे मोटे काम धंधे और जॉब, ये आपकी जरूरतें ही पूरी कर सकती है। किसी को आज समझ में आएगा, किसी को कल समझ में आएगा, और किसी को 25 साल पहले समझ में आ गया। सिर्फ समझने का खेल है, सारा खेल समझ समझ का है कि अगर हम समझ गए तो बहुत कुछ है हमारे लिए, अगर हम नहीं समझे तो एटलीस्ट जहां पर हम थे, जैसे थे वैसे तो हम रहेंगे ही, है ना। कोशिश यही होती है हर इंसान की कि वो अपने जीवन में आगे चले और अपने आप को इतना स्ट्रांग बना ले कि कभी कोई ऐसी सिचुएशंस आए तो वहां पर उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब मैं यहाँ पर एक बात कहने जा रहा हूं, जैसा कि अभी लास्ट ईयर COVID-19 आया और ये एक ऐसी सिचुएशन थी, COVID-19 के बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि इस पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लग जाएगा और लोगों के रोजगार और नौकरियां चली जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि महीनों हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, महीनों हम घर के अंदर कैद रहेंगे। हम सोचते थे कि यार आज छुट्टी होगी तो 8-9 बजे तक, 10 बजे तक सोएंगे, है ना। ऐसा एक कुदरत ने मौका दिया, लोग महीनों 10, 11, 12 बजे तक सोते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कुछ लोग इसमें ऐसे थे जिन्होंने इस पीरियड को बुनाया, जिनको नेटवर्किंग के बारे में पता था, जिन्होंने नेटवर्क की पावर को जांचा था, परखा था। उन लोगों ने इस लॉकडाउन के पीरियड में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करा और लोगों तक पहुंचाया कि आज ऐसे लोग हमारी इस मीटिंग में मौजूद हैं जो यहां से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए महीना तक इस नेटवर्किंग बिजनेस से कमा रहे हैं। आज हमारी इसी मीटिंग में ऐसे लोग मौजूद हैं और हमारा भी सपना यही है कि हम भी उस लेवल तक जाएं और उनकी सपोर्ट के साथ जाएं और उस चीज को अचीव करें। अब देखिए, जॉब अगर हम जो करते हैं या हम छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वहां पर हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। जरूरतें क्या है? जरूरतें ये हैं कि हम मार्केट गए और 200 रुपए की शर्ट लेने के लिए गए, मगर पसंद 2000 की आ रही थी और मन मार के 200 रुपए की शर्ट ले आए। हम वाइफ के लिए साड़ी लेने गए, पसंद 4000 की आ रही थी और 1000 की या 800 रुपए की साड़ी जबरदस्ती खरीद के ले आए। तो ये जरूरतें हैं कि जरूरत तो हमारी 200 रुपए की शर्ट और 400 रुपए की साड़ी से भी पूरी हो सकती है, मगर जो बड़े सपने हैं, जो बड़ी चीजें हैं, उनको पाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए और बड़ी सोच चाहिए। तो ऑल अबाउट योर ड्रीम्स, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतने आगे आप जाने वाले हैं। अब बड़ा सोचने के लिए आज तक तो हमें किसी ने प्रेरित ही नहीं करा, लोग हमेशा हमें यही कहते आए कि भाई जितनी चादर है उतने पांव फैला लो, जितनी चादर है उतनी पांव फैला लो। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अगर आप पांव ज्यादा फैलाना चाहते हो तो चादर बड़ी कर लो, किसी ने नहीं बोला। मगर एक यह ही ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको पांव फैलाने से नहीं रोकती है और आपको चादर बड़ी करने का मौका देती है। कुछ लोगों को शायद मेरी बात समझ आ रही होगी, कुछ को नहीं समझ आ रही, मगर मीटिंग में बने रहें, धीरे धीरे एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, है ना।
और नेटवर्क मार्केटिंग खासियत है, ये आपकी ऑर्डिनरी लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर देती है। ऑर्डिनरी लाइफ और लाइफस्टाइल क्या होता है? ऑर्डिनरी लाइफ वही है कि बाजार गए, 2000 की शर्ट पसंद आई, 200 वाली, मगर मजबूरी में 200 वाली खरीदी और घर आ गए। लाइफस्टाइल क्या है? बाजार गए और 2000 की शर्ट पसंद आई, 2000 दिए और शर्ट लेकर चले आए। मोबाइल खरीदने गए 20,000 रुपए का, 40 का पसंद आया, 40 दिए और चले आए। गाड़ी खरीदने गए, 10 लाख का मॉडल, 10 लाख का बजट था और पसंद आ गया टॉप मॉडल, 12 लाख 15 लाख देके टॉप मॉडल को लेकर आ गए। तो लाइफ में लाइफस्टाइल होना जरूरी है। लाइफ में लाइफस्टाइल जब भी आती है जब हमारे पास मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, तीनों चीजें होती है। मनी यानी पैसा, टाइम यानी समय, और सिक्योरिटी यानी कि पैसा लगातार आता रहे। अब हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग कहीं ना कहीं एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। एक्टिव एक्टिव इनकम मीन्स कि हम काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जॉब पर जाता है, ड्यूटी पर जाता है, कहीं नौकरी करने जा रहा है, तो जब वो जाएगा जिस दिन, उस दिन की उसकी सैलरी आएगी, और नहीं जाएगा तो उस दिन की उसकी एब्सेंट लग जाएगी। ऐसे ही कुछ शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, जो अपनी शॉप या अपनी फैक्ट्री का शटर खोलते हैं और वहां पर वो जाके प्रेजेंट रहते हैं 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, और वहां पर जो काम होता है वो काम उनकी देखरेख में होता है, और उससे जो माल बनता है या बिकता है उससे वो एक इनकम क्रिएट करते हैं, और उस इनकम को अपने वर्कर्स को देते हैं, बिजली किराया देते हैं, फैक्ट्री या शॉप का रेंट देते हैं, और जो मिलता है उसको घर ले आते हैं। मगर होता है क्या, ये एक्टिवली, एक्टिवली मतलब कि आपको रोज करना पड़ेगा वो काम जो रोज करना पड़े, और उससे जो इनकम आती है उसको हम कहते हैं एक्टिव इनकम। एक इनकम होती है पैसिव इनकम, जो हमें नेटवर्किंग के थ्रू मिलती है या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उसको कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? मान लीजिए हम बात करते हैं टाटा की। टाटा ने क्या करा? टाटा ने एक नेटवर्क बनाया। हम भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क की पावर को समझिएगा। टाटा ने एक नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क के थ्रू उसने पहले नमक बेचा, है ना। टाटा का नमक आया करता था, सब लोग टाटा के नमक को खरीदा करते थे। फिर धीरे धीरे टाटा की गाड़ियां भी थी, टाटा ने गाड़ी, अब टाटा की दालें हैं, टाटा के मसाले हैं, है ना। टाटा टू फोर व्हीलर्स के अंदर आ गया, टाटा ट्रक्स बनाता है, सब कुछ बनाता है। मगर होता क्या है कि ये सारी जितने भी टाटा के प्रोडक्ट्स हैं या रिलायंस के प्रोडक्ट्स हैं या किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने पहले एक ब्रांडर ब्रांड बनाया, अपना एक नाम बनाया, और नाम बनाने के बाद इन्होंने कुछ लोगों को अपने पास एम्प्लॉय रखा, काम करने के लिए रखा, और जो वो काम करते हैं उसके बदले उनको तनख्वाह मिलती है, और उस तनख्वाह को एक्टिव इनकम कहते हैं। मगर रतन टाटा जी आज किस देश में बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं, उनकी गाड़ी बिक रही है, फोर व्हीलर बिक रहा है, ट्रक बिक रहा है, उनका नमक बिक रहा है, उनकी दालें बिक रही हैं, उनके यहाँ और कोई प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बिक, रतन जी को पता ही नहीं कौन से प्रोडक्ट की कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कितना बिक रहा है। वो तो जिस दिन पूरी लिस्ट देखेंगे उस दिन उनको पता लगेगा, है ना। तो वो सारा सामान बिक रहा है एक नेटवर्क के थ्रू, एक चेन सिस्टम के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू, है ना। फैक्ट्री से माल निकला, किसी होलसेलर के पास गया, वहां से किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, वहां से किसी रिटेलर के पास गया, और रिटेलर से आप और हम जाकर सामान लेकर आ गए। रतन टाटा जी की गाड़ी कोई भी बिक गई, मान ली गई उनकी नेक्सॉन बिक गई, टाटा की नेक्सॉन बिकी। अब टाटा को तो पता ही नहीं कि मेरी नेक्सॉन बिकी या नहीं बिकी, मगर उस नेटवर्क के थ्रू जब वो नेक्सॉन बिकी तो सबको अपना अपना प्रॉफिट आया, और टाटा को उनका प्रॉफिट उनके पास चला गया। यानी वो मौजूद नहीं भी है उस फील्ड में, किसी और फील्ड में है, या अपने घर पे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, छुट्टियां मनाने गए हैं, मगर उनका वो पैसा उनको आ रहा है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, कुछ लोग दुनिया में एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, कुछ लोग दुनिया में पैसिव इनकम कमा रहे हैं। रतन टाटा जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पैसिव इनकम कमा रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो रतन टाटा जैसी और बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनको जो फाइनेंस करते हैं उनको फाइनेंसर कहते हैं, या वो कमाते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कौन कमाते हैं? नौकरी पैसा करने वाले लोग, या आप मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, कुछ शॉपकीपर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ये सब एक्टिव इनकम कमाते हैं। तो एक्टिव और पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से कहा गया है कि हमारे इस देश में 95% लोग एक्टिव इनकम इस दुनिया में कमाते हैं और 5% लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। दुनिया का 95% पैसा पैसिव इनकम वाले लोग ले जाते हैं, और दुनिया का 5% जो पैसा है वो एक्टिव लोग लेकर आते हैं।
पैसिव इनकम करने वाले लोग दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोगों को अपने पास काम पे रखते हैं और उनको सैलरी देते हैं और पैसा खुद ज्यादा कमाते हैं। हमारे पास या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल यस है। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें और आपको पैसिव इनकम कमाने का जरिया देता है, साथ साथ पैसिव इनकम कमाने के लिए जो करोड़ों खरबों रुपया लगता है वो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां लगाकर आती हैं, प्लेटफॉर्म बनाकर आती हैं, और हम और आप उसके थ्रू जब बिजनेस करते हैं तो हमें पैसिव इनकम क्रिएट करने का मौका मिलता है। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग आई, बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। और इंडिया में बहुत अभी बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा पीक पर है, मगर मैं ये कहूंगा कि अभी शुरुआत है। मतलब किसी चीज की अगर आज शुरुआत है, जब वो पीक पर पहुंचेगा, जब वो अमेरिका जैसे देश में, कनाडा जैसे देश में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आप अगर देखें, वहां पर ओवर 40% लोग नेटवर्किंग करते हैं। हमारे देश में 2% लोग भी नेटवर्किंग नहीं करते हैं। मगर आप नेटवर्कर की अगर आप इनकम देखेंगे, उनकी लाइफ और लाइफ स्टाइल देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बाहर से आते हैं, इंडिया में महीनों बने रहते हैं, महीनों बने रहते हैं और यहाँ पर घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं ये ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि महीनों ये इंडिया में पड़े रहते हैं, इंडिया पूरा घूमते रहते हैं और इनको पैसा आ रहा होता है। हम और आप नानी के घर भी जाते हैं ना, तो साला आने जाने में ही पैसा खत्म हो जाता है। पता चला कि 2 दिन भाग ले भैया, नहीं तो काम धंधा बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने एक्टिव इनकम क्रिएट करना सीखा है, आज तक हमने पैसिव इनकम क्रिएट करना ही नहीं सीखा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग जो आपको पैसिव इनकम क्रिएट करना सिखाता है। और सबसे बड़ी खासियत है, जब भी आप किसी नेटवर्किंग कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर ज्वाइनिंग का आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज्वाइनिंग होती है। प्लस आपको यहाँ पर सिखाने के लिए ऑलरेडी बड़े बड़े लीडर्स मौजूद होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन पर्सनैलिटी यहाँ पर मौजूद होती है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वहां पर हमारी लेग पुलिंग होती है, वहां पर हमारी टांग खींची जाती है कि कहीं ये हमसे ऊपर ना चला जाए, कहीं इसकी इनकम हमसे ज्यादा ना हो जाए। मगर नेटवर्किंग के थ्रू जो भी आपको लेकर आएगा इस बिजनेस के अंदर, वो एक अकेला ऐसा शख्स होगा जो चाहेगा कि आप उससे ऊपर पहुंचे, क्योंकि आपको हाई लेवल पर ले जाने में ही उसका प्रॉफिट है, आपकी तरक्की में ही उसकी तरक्की है, आपकी खुशहाली में ही उसकी खुशहाली है। तो आपको समझना पड़ेगा सब लोगों को कि नेटवर्किंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फर्क है, जॉब्स में और नेटवर्किंग में क्या फर्क है, एंटरप्रेन्योर्स में और बिजनेसमैन में क्या फर्क है। ये सब चीजों का फर्क हमको पता होना चाहिए। भगवान ना करे कोविड-19 जैसी समस्या अगर दोबारा आ जाए, क्या आप लोगों के पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन है? अगर ऑप्शन है तो आप चैट में लिख दीजिए कि मनोज जी हमारे पास हमारी जॉब और बिजनेस के अलावा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से हम कोविड-19 जैसी समस्या से निपटने के लिए तैयार हैं। मेरे को तो आज तक नहीं नजर आया, और जब से मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत का पता चला है, जब तक मुझको पता लगा है कि हमें एक इनकम पर आधारित नहीं रहना है, हमें मल्टीपल ऑप्शन पे जाना है, तब से मैंने अपने इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाना चालू कर दिया अलग अलग फील्ड के अंदर। अब मैं अपने बिजनेस के साथ साथ फिशिंग का बिजनेस करता हूँ, मैं अपने बिजनेस के साथ साथ नेटवर्किंग करता हूँ, मैं अपने बिजनेस के साथ साथ और एक दो चीजें हैं जिनको मैं आज देख रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मेरे काम चल रहे हैं। आपने देखा हो विराट कोहली क्रिकेट खेलने के साथ साथ ऐड करता है, सहवाग जब तक क्रिकेट खेला क्रिकेट के साथ साथ ऐड करता था, आज उनके अपने होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी अपनी क्रिकेट एकेडमी है। आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देख लीजिए, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है, कहीं ना कहीं सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को बना रखा है। और आपको एक बात बता दूं, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो है वो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम से हमेशा बड़ी होती है। आप देख लीजिए, आप एमएस धोनी का रिकॉर्ड देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर का देख लीजिए, विराट कोहली का देख लीजिए, सहवाग का देख लीजिए, इन सबको इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो पैसा और इनाम देता था उससे कई सैकड़ों गुना आमदनी इनकी
इनके सेकंड सोर्स ऑफ इनकम यानी एड से हुआ करती थी, ये कहीं ना कहीं एड करा करते थे, कहीं ना कहीं अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करी। मगर हमें और आपको जब कोई नेटवर्किंग बताने आता है तो मोस्टली लोग कहते हैं ये चेन बनाने का बिजनेस है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, यहाँ पर लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो मैं आज ये पूछना चाहूंगा, क्या आप आज किसी के साथ नहीं जुड़े हैं? अगर आप अपनी बगल की शॉप से या मॉल से सामान लेकर आते हैं, तो अगर आप टाटा का लाते हैं, ब्रिटानिया का लाते हैं, अमूल का लाते हैं, आशीर्वाद का लाते हैं, है ना, कोहिनूर का, किसी भी ब्रांड का अगर आप लाते हैं, तो उस ब्रांड की चेन के साथ आज ऑलरेडी आप जुड़े हैं। अगर आप कोलगेट खरीदते हैं, डाबर खरीदते हैं, फोरेंस खरीदते हैं, है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडियन इंडिया के बाहर की हैं, हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी उनकी चेन में मौजूद हैं। मगर होता है क्या कि हमको समझ नहीं आती हमको करना क्या है। अब नेटवर्किंग में आज इतनी कंपनियां इंडिया में आ गई हैं, बहुत सारे लोग मनी चेन पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल और डीटीएस रिचार्ज कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा टाई अप टाटा के साथ भी है, डाबर के साथ भी है, हिमालय के साथ भी है, और बहुत सारी कंपनियों के साथ है। हम सॉरी एक्चुअली में कॉल आ गई थी, तो ये सारी कंपनियों के प्रोडक्ट हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू देंगे। अरे वो तो ऑलरेडी जियोमार्ट वैसे ही हमें सस्ता दे रहा है, जितना सस्ता वो देने की बात करते हैं उससे सस्ता तो जियोमार्ट ऑलरेडी हमारे घर पे पहुंचा देता है। तो अगर कुछ कंपनियां आपको लालच दे रही है कि हम ये वाला प्रोडक्ट ले आएंगे, हम डाबर का, हिमालय का, ये वो प्रोडक्ट ले आएंगे, हमने कुछ अपने प्रोडक्ट करी है, मगर अगर उनके आप बहकावे में हमारा पाते हैं तो वो ज्यादा दिन नहीं चल पाता, क्योंकि उन प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी ऐसी खासियत नहीं है जिनको हम और आप लेकर दूसरों को प्रमोट कर सकें। ये नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं और उन बेहतरीन प्रोडक्ट्स की बेहतरीन क्वालिटी के दम पर वो आज पूरे वर्ल्ड में राज कर रही हैं। ऐसी ही हमारी कंपनी है एटॉमी ग्लोबल, और एटॉमी कंपनी जो है ग्लोबली वर्क कर रही है, और ग्लोबली वर्क करते हुए ग्लोबली प्लान को लॉन्च, सेम प्लान हर देश के अंदर लॉन्च करते हुए कंपनी बेहतर प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रही है। और 11 नवंबर जब इंडिया 2020 में 11 नवंबर 2020 को जब कंपनी इंडिया में लॉन्च हो गई और हम लोगों ने जब इसके प्रोडक्ट लिए और यूज करना चालू करा, तो हमको समझ में आ गया कि बाकी कंपनी के और हमारे प्रोडक्ट्स में क्या फर्क है, बाकी कंपनी के बिजनेस प्लान में हमारे प्लान में क्या फर्क है। ये सब चीजें जब समझ में आएंगी, जब आप साथ में जुड़ेंगे, साथ में बैठेंगे, अपनी अपलायंस से जो आपको बिजनेस में लेकर आए उससे बात करेंगे, जिनको आप बिजनेस में लाए हैं उनसे बात करेंगे, तब कहीं जाके ये चीजें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम होता है और क्यों होता है, कैसे करते हैं, क्या मिलता है। टोटल डिफरेंट एंड इजी वे टू क्रिएट लीगल अनलिमिटेड इनकम, दोबारा दोहराऊंगा, टोटल डिफरेंट, बिल्कुल अलग है, इजी वे टू क्रिएट, बहुत आसान तरीका है लीगल और अनलिमिटेड इनकम को कमाने का। बड़े सिंपल शब्दों में एक अद्वितीय प्लान है, बहुत आसान है, लीगल है, अनलिमिटेड पैसे को कमाने का मौका। मोदी जी कभी भी आए, आज आके 2000 का नोट बंद कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि हम नेटवर्किंग के अंदर 100% लीगल कंपनी में काम करके 100% लीगल प्लान कमाते हैं, लीगल पैसा कमाते हैं। अब होता है क्या, लोग बहुत सारी कंपनियां पकड़ लेते हैं और महीने, दो महीने, छह महीने, आठ महीने, साल, डेढ़ साल, बहुत सी कंपनी तो साल भी नहीं टिकती हैं, और वहां पे फटाफट कुछ इनकम क्रिएट करते हैं, कुछ लोगों को जोड़ते हैं, ऊपर वाले कुछ 2-4% लोग पैसा कमाते हैं और नीचे वाले सब खत्म हो जाते हैं और कंपनी खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स भी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने इन चीजों को फेस करा है, उनको समझ आई है। अब हमको नेटवर्किंग में करना क्या होता है, सबसे पहले हाउ कैन आई सर्व द पीपल, हम कैसे लोगों को चीजें दें, हाउ कैन आई हेल्प द पीपल, कैसे हम लोगों की मदद करें, ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। अभी मेरे पास कुछ चीज हो और मैं उसको लोगों के बांटने जाऊं तो मेरे को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कि मुझे अगर लोगों को तक कोई चीज बांटनी है तो मुझे क्या करना होगा। मेरी कॉमन सेंस है, अगर मैंने 10 किलो खीर बनाई है और मुझे वो खीर बांटनी है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा मैं मंदिर चला जाता हूँ, गुरुद्वारे चला जाता हूँ, है ना, मस्जिद चला जाता हूँ, या ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला जाता हूँ। ये यूनिवर्स इंटेलिजेंस है, ये ऑटोमेटिक दिमाग में ख्याल आता है कि हमें कहाँ पर जाके लोगों को क्या चीज देनी है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। ये कुदरत है जो अपने आप आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में चीजें लाती है और जिनको हम काम करते हैं।
यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग मिलती है मतलब ये बिजनेस मॉड्यूल क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, इसको कैसे करना है, ये आपको ट्रेंड करा जाता है ट्रेंड लीडर्स के द्वारा, यानी सीख के और सिखाकर कोई भी काम आसानी से करा जाता है। और चैलेंजेस तो देखो लाइफ में आएंगे, आप समझ लीजिए, चैलेंजेस तो आप नेटवर्किंग करें या ना करें, चैलेंजेस तो लाइफ में आने थे, आने हैं और आते भी रहेंगे, मगर उस चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, यही देखने वाली बात है। होता क्या है कि हम लोग प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाते। अब हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम लोग जो भी अपना बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम उसको जाके देखें और उसको काम करें, और सेकेंडरी हम रखते हैं नेटवर्किंग को। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अपनी प्रायोरिटी पे नेटवर्किंग को रख लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं सेकेंडरी अगर आपकी जॉब या बिजनेस है ना, वो अपने आप हो जाएगा। मगर हम करते क्या है, प्रायोरिटी बेस पर रखते हैं अपनी जॉब या बिजनेस को, और सेकेंडरी बेस पर हम रखते हैं नेटवर्किंग को। तो होता क्या है, नेटवर्किंग में पैसा तो लगता नहीं है। जब पैसा नहीं लगता है तो इंसान कहता है कोई बात नहीं, आज नहीं करा तो कल कर लेंगे, कल नहीं करा तो परसों कर लेंगे, 10 दिन नहीं करा तो 21 11वें दिन कर लेंगे, 11वें दिन करा अगले महीने कर लेंगे, इस महीने शादी आ गई, इस महीने बर्थडे आ गया, या इस महीने कुछ चीज हो गया, तो चीजों को पोस्टपोन कर देते हैं। हम लोगों की आदत है कि जो चीज फ्री में मिलती है हमको उसकी कदर नहीं है, हमको उसकी वैल्यू नहीं है, हमको उस 10,000 की नौकरी की वैल्यू है जहां पर हम 10 से 12 घंटे लगाकर बॉस की गुलामी करके उस पैसे को कमाते हैं और वहां पर हम वैल्यू देते हैं। मगर जो चीज हमें फ्री में मिल रही है, जहां पर हमें इज्जत मान और सम्मान मिल रहा है, वहां पर हम चीजों को सेकेंडरी कर देते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर फेल हो जाते हैं। मगर हमको यहाँ पर फेल नहीं होना है, हमको यहाँ पर पास होना है, और पास होने का सबसे बड़ा तरीका है कि आपको अपने सपनों को जिंदा रखना होगा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग को प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होगा। सेकंड प्रायोरिटी पे अगर आप अपने दूसरे काम करेंगे, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि आप लोग यहाँ पर तरक्की करेंगे। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, प्रॉब्लम है, आएगी। एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूंगा, मैंने एक आध बार पहले भी बोली है, दोबारा बोलना चाहूंगा। एक बार एक कंपनी होती है, वो एक सेल्समैन को हायर करती है और उसको कहती है कि आप फलाने स्टेट में जाएं और वहां जाकर पता करें कि हमारा ये प्रोडक्ट वहां चलेगा या नहीं चलेगा। सेल्समैन आता है और उनका प्रोडक्ट लेता है, और उस प्रोडक्ट को लेके वो उस स्टेट में जाता है, सेकंड स्टेट में, और वहां पर जाके वो देखता है और जाके तुरंत फोन करता है कंपनी के ओनर को, अपने बॉस को, कि सर आप सारी प्रोडक्शन बंद कर दीजिए, आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट यहाँ पर सक्सेस नहीं है और कोई उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, बॉस उसकी बात सुन लेता है, और बात सुनने के बाद वो एक सेकंड सेल्समैन को हायर करता है और उसको भेज, कहता है कि आप भी वहां पर जाएं और आप वहां जाएं और वहां जाके पता करें कि क्या हमारा प्रोडक्ट उस स्टेट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं जाता हूं, और जो सेकंड सेल्समैन होता है वो भी वहां पर जाता है, और वहां जाके वो जैसे ही वहां पर निकलता है मार्केट्स में या गांव में देहात में, और जैसे ही वो जहां पर सर्वे करता है, और सर्वे करने के बाद तुरंत वहां से फोन करता है बॉस को कि बॉस प्रोडक्शन आप डबल ट्रिपल या 10 गुना जितना आप बढ़ा सकते हैं उतनी प्रोडक्शन को बढ़ा दें, आपका टोटल का टोटल जितना भी प्रोडक्ट है यहाँ पे सब सेल हो जाएगा। और बॉस बड़ा खुश होता है, वो कहता है ठीक है आप भी आ जाओ। आप दोनों सेल्समैन को वहां पर बुलाता है अपने ऑफिस में, और बुलाकर वहां बैठाकर उनसे बात करता है और उनसे पूछता है पहले सेल्समैन कि आपने वहां क्या देखा। तो वो कहता सर मैं उस स्टेट में गया और हमारा प्रोडक्ट जो था वो जूते चप्पल थे, और मैंने वहां स्टेट में जाके देखा कि वहां जितने भी लोग थे वो जूते और चप्पल पहनते ही नहीं है, जब वो पहनते ही नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, इसलिए मैंने आपको इंस्टेंट फोन करके बोला कि सर आप जो है प्रोडक्शन बंद कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं लेगा। कहता ठीक। सेकंड से पूछता है कि आप बताएं आपने क्या देखा। कह रहा सर मैं वहां पर गया और मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी शख्स जूते और चप्पल नहीं पहनता है, तो हमारे पास इतना बड़ा स्कोप है कि हम इन लोगों को सारे जूते और चप्पल पहना सकते हैं उसकी खासियत बताकर, और इसलिए मैंने आपको बोला कि सर आप प्रोडक्शन डबल ट्रिपल या 10 गुना ज्यादा कर दीजिए ताकि हम अपना माल यहाँ पे सारा बेच सके, सब सेल हो जाएगा। अब सेम कंडीशन थी, सेम चीजें थी, मगर दो अलग आदमी थे, दोनों का माइंडसेट अलग था,
और जैसा माइंडसेट था वैसा लोगों ने, दोनों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। अब यही बात आती है नेटवर्किंग के अंदर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, बहुत सारे लोगों से हम मिले और लोग मने कर देते हैं, सर ये काम नहीं होगा। और मैं कहता हूं कि मैं सर बहुत सारे लोगों से मिला और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी है, मगर उनके पास अधूरी जानकारी है, उस अधूरी जानकारी के बेस पर वो लोग काम नहीं कर पा रहे। मगर डेफिनेटली हम और आप मिलके जब लोगों को पूरी जानकारी देंगे, पूरा प्लान समझाएंगे, अच्छी तरीके से मीटिंग में लाएंगे, लोगों को प्यार मान सम्मान और रेस्पेक्ट देंगे, तो लोग डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, अपना और आने वाली अपनी पीढ़ियों का भविष्य भी सिक्योर करेंगे। तो ये सब जितना भी चीजें हैं, ये सब हमारी और आपकी सोच पर डिपेंड करती है, हमारे और आपके बिलीफ लेवल पर डिपेंड करती है कि हमारा बिलीफ लेवल कितना है, हमारा माइंड सेट क्या है ना, और हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग कितना चेंज कर सकते हैं। आप जितना अपने आप को चेंज करेंगे, जितना आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखेंगे, जितना आपका बिहेवियर थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, जितनी आपकी सेल्फ इमेज हाई होगी, जितने आप हार्ड वर्क होंगे, जितने आप ऑटोमेटिक मूड पे रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि सक्सेस जो है वो आपके हाथों में है, ना कि लोगों की जबान पर है। क्योंकि जो लोगों को जो हम बताएंगे वही लोग समझेंगे। अब किसी को नहीं पता कि हमारी कंपनी जो पेस्ट बनाती है वो पर्पलिस वाला पेस्ट है, उसके अंदर ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज फ्लेवर है, और उसके क्या फायदे हैं। कंपनी कहती है कि ये आपके दांतों के और मुंह की सारी समस्याओं के लिए 100% क्योर करेगी, और पब्लिक कहती है कि हमारी मुंह के अलावा भी 21 बीमारियों को ये क्योर करेगी। अब होता क्या है कि हमारे इंडिया में माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग आज ऑनलाइन पे ज्यादा काम करें, डेफिनेटली आप ऑनलाइन पे काम करें, ऑनलाइन पोर्टल पे आप काम करेंगे, आपको लोग मिलेंगे और वहां से आपकी टीम भी बनेगी, मगर वहां से टीम में जो पीवी निकालने का या जो बिजनेस क्रिएट करने का जो मौका है वो थोड़ा सा कम रहता है। जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलने के बाद हम डायरेक्ट जब उनसे बात करते हैं, जब उनको अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं, उनकी डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं, अपने पेआउट्स दिखाते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी की प्रोफाइल दिखाते हैं, तो जो हम एक फोन पर बात कर रहे हैं या चैटिंग पे बात कर रहे हैं या मैसेंजर पे बात कर रहे हैं, और वही बात जब हम फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे रिजल्ट 4 गुना बढ़ जाता है। यानी वहां पर 4 गुना चांस ज्यादा है कि आपको बेहतर और अच्छे लोग मिलेंगे, जिसकी वजह से बिजनेस होगा। अब होता क्या, मोस्टली लोग डरते हैं लोगों से फेस टू फेस बात करने में। लोग क्या करते हैं कि बात करने के लिए आसान सा तरीका है, मोबाइल उठाया, टक 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 नंबर डायल करे 10 और फोन करा, हेलो सर मैं मनोज बोल रहा हूँ दिल्ली से, और आप कैसे हैं। कि बढ़िया सर, मेरे पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली सर अगर आप इसको करेंगे तो आपके खानदान की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो वो पूछेगा भाई तुम क्या करते हो, तुम्हारी क्या लाइफ है। तो हम लोग एक्चुअल क्या फोन पर वो चीजें बता ही नहीं पाएंगे जो होना चाहिए। फोन पर हम सिर्फ थोड़ा सा हिंट दें और लोगों से कोशिश करें कि हम फेस टू फेस जाकर बात करें, अपने लीडर्स से उनको मिलवाएं, है ना, लोगों को सिखाएं कि कैसे हम बिजनेस करते हैं, क्या हमारा मॉड्यूल है, क्या हमारे प्रोडक्ट है, क्या हमारी प्रोडक्ट रेंज है, उस प्रोडक्ट्स के हमको अंदर क्या मिलने वाला है ना। और सबसे बड़ी खासियत है नेटवर्किंग की, आपको यहाँ पर इतनी चीजें मिलेंगी कि आप खुद अपने आप को इतना ब्लेस समझने लगेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मनी यानी पैसा मिलेगा जो लीगल होगा, 100% लीगल मनी होगी, और जितनी आप चाहें उतनी आप पैसा यहां से कमा सकते हैं। ये एसेट बेस इनकम होगी। एसेट बेस मीन्स इनकम का मतलब क्या है, आपने कोई शॉप खरीदी, कोई घर खरीदा, कोई ऑफिस खरीदा और उसको आपने रेंट पे दे दिया, और उससे जो इनकम आती है उसको एसेट बेस इनकम कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के क्या अंदर क्या है, यहाँ पर आप जिन लोगों को लेकर आते हैं वो आपकी एसेट्स होती है, और यहाँ पर हम सब लोग अपनी अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं, और उस अपनी अपनी जरूरत के सामान खरीदने से, बेहतर क्वालिटी के सामान खरीदने से सबसे
पहले तो हम सब लोगों की सेहत अच्छी होती है, दूसरी चीज हम लोगों के घर में रोजगार प्रोवाइड करते हैं, लोगों को पैसा कमाने का मौका देते हैं और वो हमारी एसेट्स बन जाती है। आज आपने कोई मकान दुकान या फैक्ट्री खरीद ली, 10 साल 15 20 साल के बाद उसके अंदर पैसा लगना चालू होता है, कभी नल खराब, कभी बिजली खराब, कभी मोटर खराब, कभी प्लास्टर झड़ गया, कभी कुछ, कभी हाउस टैक्स, कभी ये कभी वो, तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें, और एक समय के बाद 40 50 60 साल के बाद हमको उसको दोबारा से बनाना पड़ता है। यानी वहां पर वो एक्चुअल में एसेट्स बेस्ड इनकम नहीं है, एक्चुअल एसेट्स बेस्ड इनकम यहाँ पर है लोग, लोगों से बड़ा एसेट्स ही नहीं है, नेटवर्क से बड़ा कोई एसेट नहीं है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क है उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ है, ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितना बड़े बड़े लोगों के नेटवर्क है उतनी बड़ी बड़ी लोगों की इनकम आती है। दूसरी नेक्स्ट थिंग, हमें यहाँ पर बेटर लाइफस्टाइल मिलती है, मतलब अब जो हम कमा रहे हैं उससे हम जितना खर्च कर सकते हैं उस पैसे से वो खर्च कर रहे हैं, मगर हमारे पास जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तो हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें, एक्स्ट्रा इनकम से हम एक्स्ट्रा चीजें अपने पसंद की ले सकते हैं, है ना। अभी हम कहीं छोटे रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, हम बड़े 5-स्टार होटल्स में जा सकते हैं, अभी हम घूमने के लिए इंडिया जाते हैं, हम उसके बाद यहाँ से हम कंपनी हमको आउट ऑफ इंडिया भी भेजती है, हम अपने पैसे से आउट ऑफ इंडिया घूम के आ सकते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मिलता है हमें, रिलेशनशिप क्रिएट करने का मौका मिलता है, स्ट्रॉन्ग टीम बनाने का मौका मिलता है, हमें रेस्पेक्ट मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है। यहाँ पर एक और खासियत है नेटवर्क मार्केटिंग की, अगर आप लोगों को अनकंडीशनली लव यानी बगैर किसी भी शर्त के अगर आप लोगों को प्यार करने को तैयार हैं तो ये बिजनेस आपको अनकंडीशनली अनलिमिटेड मनी और रेस्पेक्ट देने को तैयार है। ये आप मान लीजिए, यहाँ पर टाइम मिलेगा आपको एंजॉय करने का, पेरेंटल केयर मिलेगी, अपने घर वालों की, अपने पेरेंट्स की केयर करने का मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, है ना, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी की लेग पुलिंग नहीं करता, कोई किसी को यहाँ पे घसीटता नहीं है, क्योंकि यह सब चाहते हैं कि आप तरक्की करें और उनकी तरक्की है। और सबसे बड़ी हमारी कंपनी के बिजनेस प्लान की खासियत है कि ये 2 लेग पे चलता है, राइट एंड लेफ्ट, यानी इसके बाद जितने भी हमारे पास लोग आएंगे कहीं ना कहीं हम उनको नीचे ही ज्वाइन कराएंगे, और नीचे ज्वाइन कराने से हमको एक बेहतर बिजनेस मॉड्यूल और बेहतर बिजनेस मिलता है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं और लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, है ना। कुछ लोग कई बार कहते हैं कि चीजें कैसे होंगी और क्यों होंगी, कैसे होंगी ये तो नहीं पता, क्यों होंगी ये हमको पता है, क्यों होंगी क्योंकि हम करेंगे, क्योंकि हमारी ड्रीम्स बड़े हैं ना। आपको बिजनेस करने के लिए 1 रॉक सॉलिड रीजन चाहिए टू डू दिस बिजनेस, एक ऐसा पत्थर के समान स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि ये मैं बिजनेस क्यों करूं, आपके अंदर वो वाई होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है, अगर आपके अंदर क्यों है तो आप ये कर जाएंगे। वी फाउंडिंग दोज पीपल हु फाउंडिंग समथिंग, हम इस बिजनेस के अंदर उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं, हम उन लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं जो कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अगर ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो कुछ ढूंढ ही नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर हम जैसे ही उन लोगों को टच करेंगे जो कुछ ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा, है ना। ड्रीम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग टू बिल्ड दिस बिजनेस, आपका सपना इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी ये बिजनेस बिल्ड हो पाएगा ना। गॉड विल नॉट रिवॉर्डिंग यू व्हाट यू नो, ऊपर वाला कभी भी आपको इसके लिए अवार्ड नहीं देगा कि आप क्या जानते हो, हमेशा ऊपर वाला आपको रिवॉर्ड देगा, गॉड विल रिवॉर्ड यू व्हाट यू डू, आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो उसके ऊपर ऊपर वाला हमको चीजें देता है ना, हमारी मेहनत का फल हमको मिलता है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता है ना। अगर हम जॉब भी करने जा रहे हैं वहां पर भी अगर हमने दिल से मेहनत नहीं करी तो महीने 2 महीने में बॉस हमको निकाल के बाहर कर देगा और बोल देगा कि आप कुछ नहीं कर रहे और आप छुट्टी कर लीजिए, आप यहाँ से जाएं, मैं आप मुझे आपकी जरूरत नहीं है। डेयर टू रिप्लेस, ऐसे लोगों की टीम बना ले और उसमें से कुछ लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं 1 बार 2 बार 4 बार 10 तो उनके ही अगर हम पीछे पड़े रहेंगे तो शायद हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए डेयर टू रिप्लेस, नए नए लोगों से मिले, नए नए लोगों से बात करें, बिजनेस को आगे बढ़ाएं। एक्शन एज पर सिस्टम, सिस्टम कहता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक्शन प्लान बनाएं, बिजनेस प्लान बनाएं और उसके अकॉर्डिंग चलें तो डेफिनेटली हम आगे जाएंगे, है ना। 1 small action इज बेटर देन 1000 noble intention, एक ऐसा एक्शन जो बेटर हो और उससे 100 noble intention, यानी इंटेंशन तो है मैं करना तो चाहता हूँ, मैं लोगों से मिलूंगा भी, बात भी करूंगा, सिर्फ सोच रहा हूँ, उससे बेटर है कि आप एक काम कर डालो, अगर आपने एक काम कर डाला तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, और 100 काम आपने सोच लिए तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा ना।
और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे। इस बिजनेस की बहुत सारी खासियतें हैं। सबसे बड़ी खासियत है ये बिजनेस जो हमको पैसा देता है उसको एंजॉय करने के लिए टाइम देता है, और जो वो टाइम होता है वो टाइम प्रीसियस टाइम हम अपने चहेतों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, कितने लोग 1300 रुपए की इनकम को देखते हैं, कितने लोग 3900 रुपए की इनकम को देखते हैं, कितने लोग 6 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड को देखते हैं। मैं एटलीस्ट ये देखता हूं, मुझे एक चीज ये समझ आती है कि वो समय आएगा जब मेरे साथ मेरी अपलाइन और मेरी डाउनलाइन और उनकी और मेरी फैमिलियां होंगी, और हम सब लोग एक साथ आउट ऑफ इंडिया के टूर पे जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और वहां कितना एंजॉयमेंट होगा। ऐसा समय होगा जहां पर हमारे मोबाइल की घंटी नहीं बज रही होगी और हमको सिर्फ मैसेज की घंटी बज रही होगी कि टक मैसेज आया आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, टक मैसेज आया आपके इतने पीवी हो गए, टक मैसेज आया कि आपका इतना ये काम हो गया। वो चीजें कितने लोग देख पाते हैं मुझे नहीं पता। समझने की जरूरत है कि हमको यहाँ पर क्या समझना है, क्या करना है और कैसे करना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बात बहुत छोटी है कि बिजनेस क्यों करना है, नेटवर्किंग क्या देती है। नेटवर्किंग आपको आजादी देती है टेंशन से, नेटवर्किंग आपको आजादी देती है समय से, नेटवर्क मार्केटिंग आपको आजादी देती है पैसे से, नेटवर्क मार्केटिंग आपको आजादी देती है मनचाही जगह पर अपने मनचाहे लोगों के साथ घूमने के लिए, फिरने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिसको आप घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, बाहर निकल के, गाँव में जाके, देहात में जाके, किसी आउट ऑफ स्टेशन जाके, आउट ऑफ इंडिया जाके, आप इस बिजनेस को हर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो है लोग, यानी पीपल्स। और ये जो लोग है ना, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, गांव में, देहात में, है ना, बाजार में, भीड़ में, एयरपोर्ट, एरोप्लेन, एरोड्रम पे, आपको बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, मूंगफली वाले के साथ, पान पान की दुकान के साथ, कहीं पार्क में मिल जाएंगे, मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक पे, है ना, आपको सामान खरीदने जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, कहीं भी आप जाओ, दुनिया भरी पड़ी है लोगों से। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको ये बिजनेस करने से रोकेगी और एक ही चीज है जो आपको ये बिजनेस करने के लिए प्रेरित करेगी, वो है लोग। यही लोग आपको बिजनेस करने के लिए रोकेंगे और इन्हीं लोगों से आपका बिजनेस भी होगा, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि कुछ लोग आपको मना करेंगे, कुछ लोग आपको करेंगे, मगर जब आप नो सुनने की आदत डाल लोगे, जब आप लोगों की ना सुनना सीख लोगे, तो ये बिजनेस क्रिएट होना चालू हो जाएगा। सम हार्ड स्टेप इन दिस बिजनेस, कुछ हार्ड स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। हार्ड स्टेप्स क्या होगा इस बिजनेस को करने के लिए, हार्ड स्टेप क्या है कि आपको एक बिजनेस प्लान, अपना एक प्लान बना, अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं सुबह कितने बजे उठूंगा, कितने बजे ऑफिस जाऊंगा, कितने बजे ऑफिस से आऊंगा, इन बिटवीन मेरे पास जो टाइम होगा, कब मैं लोगों को कॉल करूंगा, कब मैं अनजान लोगों से बात करूंगा, कब मैं अपनी अपलाइन से, कब मैं अपनी डाउनलाइन से बात करूंगा। अगर आपने ये पूरा शेड्यूल एक बार बना लिया, मैं गारंटीड देता हूं, अगर शेड्यूलिंग के हिसाब से आप काम करेंगे, मान लीजिए आपका ऑफिस 10 बजे का है, आप सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, और 6 बजे उठने के बाद मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं 7 बजे, 1 घंटे के लिए, तो वो 1 घंटा आपका इतना प्रीशियस होगा कि मॉर्निंग वॉक करते करते आप लोगों से मिलके, दो चार लोगों से मिलके, उनके से फोन नंबर एक्सचेंज करके उनको अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप घर आते हैं, घर आने के बाद आप ऑफिस जा रहे होते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते करते वहां भी आपको लोग मिलेंगे। अगर आप अपनी भी गाड़ी से जाते हैं तो अपने कुलीग्स को या अपने ऑफिस के जो और लोग हैं उनको आप लिफ्ट दें और उनके साथ जाना चालू करें, तो आपको एक मौका मिलेगा उन लोगों से भी बात करने का, है ना। उसके बाद आपने ऑफिस में बिजनेस नहीं क्रिएट करना है, आपने क्या करना है, बिजनेस को जो ऑफिस का मिड टाइम है, जहां पर आपका लंच टाइम होता है 1 घंटे का, उस लंच टाइम में आप लोगों से बात कर सकते हैं। कभी भी ऑफिस टाइम में बिजनेस की बात कभी नहीं करना, क्योंकि बिजनेस की बात अगर आप ऑफिस टाइम में करोगे तो बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। आपका ऑफिस 6 बजे खत्म हो गया, 6 बजे के बाद आप जब घर आते हैं आप 1 घंटा 2 घंटा लेट आ सकते हैं, या आते वक्त रास्तों में बात कर सकते हैं, घर आने के बाद फ्रेश होकर आप घर से 7 बजे दोबारा निकल सकते हैं, 8 बजे निकल सकते हैं, बहुत सारा टाइम है। टाइम क्या है, वही टाइम हमको एंजॉय, जो जिस टाइम को हम एंजॉय कर रहे थे, यानी हम टीवी देखकर अपना टाइम जो वेस्ट कर रहे थे, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ के जो टाइम वेस्ट कर रहे थे, उस टाइम को हमको कंज्यूम करना है, यानी
अनप्रोडक्टिव आवर जो हमारे थे, जहां से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही थी, उनको प्रोडक्टिव आवर में बदलना है। और ये सबके पास दिन में 2 से 3 घंटे आराम से होते हैं। अगर आप आराम से ठंडे दिमाग से बैठेंगे, सोचेंगे, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि हाँ, हमारे पास टाइम कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। वी आर लीडर्स, वॉन्ट टू ग्रो लीडर लीडर्स इन अवर टीम, है ना। सबसे पहले हमें आपको आके यहाँ पर इस बिजनेस में खुद लीडर बनना है और अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं। सॉरी। और जब लीडरशिप क्वालिटी आपके और हमारे अंदर बन जाएगी, अब लीडरशिप क्वालिटी बनेगी कब, समझ में तो कब आएगा भाई? लीडरशिप क्वालिटी तो बनेगी, जब ही बनेगी ना, जब हम कुछ सीखेंगे, और जब हम सीखेंगे तभी हम लोगों को सिखा पाएंगे। ये सिंपल सा बिजनेस है, सीखने और सिखाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है इस बिजनेस को करने का। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा प्लान है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, समझिएगा। अभी हमको, आपको और हमको जो चीजें चाहिए होती, वो हम किसी किसी न किसी शॉप से या किसी न किसी मॉल से या किसी न किसी बड़ी दुकान से लाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे डेली यूज के हैं, वो प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां सब बनाती हैं, और उन प्रोडक्ट्स को हमें अपने पुराने प्रोडक्ट से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना मतलब, अभी हम बाजार से पेस्ट लेकर आ रहे थे, हमें इस कंपनी का पेस्ट ले लेना। अभी हम नहाने का साबुन, मान लीजिए कपड़े धोने का डिटर्जेंट, हम बाजार से ला रहे थे, वो हमको यहाँ से लेना है। ब्यूटी के कोई कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, हम किसी बाजार से किसी और कंपनी के ला रहे थे, हमें इस कंपनी के लेना है। फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट तो क्वालिटी मिलेगी, साथ में साथ पैसा कमाने का मौका मिलेगा। सिंपल सा फंडा है। अब हमें जो चीज लेनी होती है, हम किसी दुकान से लाते हैं, मार्केट है, इस मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट एक फैक्ट्री में बनता है, और फैक्ट्री से जब वो चलता है तो उस नेट एक नेटवर्क के एक चेन के थ्रू होता हुआ वो एक शॉप तक पहुंचता है और शॉप से हमको मिलता है। इसमें बीच में कुछ कैरी फॉरवर्ड होते हैं, कुछ होलसेलर होते हैं, कुछ रिटेलर होते हैं। तो अब होता क्या, ये सब लोग इस चीजों की प्राइस को चेंज करते हैं, ना कि क्वालिटी और क्वांटिटी को। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि कोई भी चीज फैक्ट्री में 30 रुपए की बनती है और हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए की हो जाती है, यानी जो बीच का 70%, यानी जो 70 रुपए है, वो इस मार्केट के अंदर है। मार्केट में मतलब जो होलसेलर्स हैं, डीलर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, कैरियर फॉरवर्ड एजेंट्स हैं, वो सब लोगों ने पैसा लगा रखा है। किसी ने शॉप लिया, किसी ने गोदाम लिया है, किसी कोई सप्लाई कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जो 70% जो पैसा है वो इन लोगों को मिल रहा है इनकी मेहनत का। यहाँ भी सेम क्या होगा, कंपनी आपको 30 रुपए का सामान 100 रुपए का ही देगी। यहाँ भी 30 का सामान 30 में नहीं मिलेगा, मिलेगा 100 का, मगर कंपनी आपको मौका देगी वो 70 रुपए कमाने का, वो 70% मार्जिन को अपने आप को देने का मौका देगी। कैसे देगी, एक सिस्टम को थ्रू देगी, और ये जो सिस्टम है वो आपको किसी दिन बिजनेस प्लान में समझ आएगा। अब क्या है कि, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, यहां पर क्या होगा, कंपनी कहती है कि किसी होलसेलर ने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा, और डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी कैरी फॉरवर्ड एजेंट को पकड़ा, और कैरी फॉरवर्ड एजेंट ने आगे वो माल किसी दुकानदार को दिया। आपने क्या करना है, उस चेन को अपने सर्कल में बनाना है, यानी आपने अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे बिजनेस प्लान को लोगों को रेकमेंड करना है, लोगों को बताना है, और जैसे ही लोगों को चीजें अच्छी लगेगी और समझ आएगी, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, और आपके साथ जुड़ने का कोई चार्ज तो लगेगा नहीं। और कोई ऐसी हमारी कंपनी के अंदर कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इतने का प्रोडक्ट ले ही ले या हर महीने परचेस करें ही करें। तो अब क्या होगा, आप अपनी जरूरत का जब भी सामान लेंगे उसके ऊपर कंपनी कुछ पॉइंट वैल्यू देगी, और वो पॉइंट वैल्यू जब जब मैच करेगी तब तक आपको पैसे मिलेंगे। और आपको ही नहीं पैसे मिलेंगे, आपके ऊपर जितने भी लोग हैं उस जो इनकी टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग वो सबको पैसा जाएगा। इट मीन्स क्या, सिर्फ आपने क्या करा, प्रोडक्ट को चेंज करा, उन प्रोडक्ट्स को जो केमिकल से भरे हुए थे आपने नॉन केमिकल वाले प्रोडक्ट लिए, हाइजीन प्रोडक्ट लिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लिए, और उन प्रोडक्ट को आपने रेकमेंड करा, और लोगों ने अपनी अपनी जरूरत का सामान खरीदना चालू करा, और लोगों को उसके अकॉर्डिंग उनका पैसा आना चालू हो गया। तो सिर्फ इतना ही करना है कि अपने शॉप को चेंज करना है, अपने दुकान को चेंज करना है, इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, और इनकी बेहतरीन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते करते लोगों को बताना है कि इन प्रोडक्ट्स की क्या खासियत है, उन लोगों को मीटिंग में लाना है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है,
मीटिंग में लाना सबसे बड़ी चीज है। अगर आप किसी को बिजनेस प्लान नहीं भी बता पा रहे हैं, प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं भी दे पा रहे हैं, या आप उनको नहीं समझा पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज मीटिंग होती है, सेम लिंक से होती है, 8:30 पे रोज चालू होती है। इस मीटिंग में आप लोगों को लाके बिठा दें, या बहुत शानदार शानदार लीडर्स आते हैं, उनके पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन एक्सपीरियंस है, और आपने उनको यहाँ लाके बैठा दिया। 1 घंटे की मीटिंग के बाद जब आप उनसे पूछेंगे कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, तो डेफिनेटली वो आपको बता देंगे कि मेरे को ये अच्छा लगा या बुरा लगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, आप लोगों से अच्छा ही तो पूछो ही नहीं, आप सीधे से पूछो। मान लीजिए कि मैंने अमित जी को इस बिजनेस मीटिंग में लाके बिठा दिया, और मान लीजिए 10:30 बजे मीटिंग खत्म होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने अमित जी को फोन करा, अमित जी आज मैंने आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करा था और आप आए थे, आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन सुनी। अमित जी आप मुझे बताएं कि आपको इस प्लान में क्या अच्छा नहीं लगा। दैट्स इट, पूछो ही मत क्या अच्छा लगा, यही पूछो सीधे कि आपको अच्छा क्या नहीं लगा। वो अपने आप आपको बता देगा कि क्या अच्छा था और क्या नहीं था, क्योंकि मोस्टली लोग बोल ही नहीं पाएंगे कि अच्छा नहीं था। मोस्टली लोग बोलेंगे सब बहुत अच्छा था। अगर बहुत अच्छा था, सर आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग लगा देते हैं। बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट से अपनी मनचाहा प्रोडक्ट आप परचेज कर लें, चाहे तो एक परचेज करें, चाहे तो सारे परचेज कर लें। कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आप कितना परचेज करेंगे या क्या क्वांटिटी लेनी है। तो एक बड़ा सिस्टम है सिंपल सा, कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन देने के बाद सिंपल सा सवाल वहीं पूछ लें कि सर आपको क्या इसमें पसंद नहीं आया। डेफिनेटली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि क्या पसंद नहीं आया, क्योंकि आपने पूछा सर आपको क्या अच्छा लगा, वो कहेंगे ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, है ना। तो अब आप उसके बाद अगले दिन फॉलो अप करोगे या 48 घंटे बाद फॉलो अप करोगे, फिर वो आपको नानुकुर करेगा। बेटर है ना हैंड टू हैंड कर लो, हैंड टू हैंड पूछ लो सर आपको क्या अच्छा नहीं लगा, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स में इतनी दम है, हमारे प्लान में इतना दम है कि हमारा प्लान भी पेटेंट है, हमारे प्रोडक्ट्स भी पेटेंट है, हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर रिजल्ट है, हर प्रोडक्ट हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस प्लान पेटेंट है। ऐसा बिजनेस प्लान कोई और कंपनी लेकर ही नहीं आ सकती, है ना। और आप एक आपको और बताऊं, आपके घर में मान लीजिए जितने भी लोग शादीशुदा हैं, मैं मैरिड पर्सन की ही बात कर लेता हूं, मान लो मैं मैरिड हूं, मेरा मान लो एक लड़का और एक लड़की है, क्या गारंटी है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगा 25 या 30 साल के बाद वो मेरी केयर करेंगे या नहीं करेंगे, वो मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो इंडिया में रहेंगे या यूएस में रहेंगे या ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे या कनाडा में जाएंगे, वो बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, वो शॉप चलाएंगे या डॉक्टर बनेंगे, कोई गारंटी नहीं कि क्या करेंगे। मगर आपको आज एक बात बता दूं, अगर आपने एटॉमी नाम का एक बच्चा पाल लिया, देखिए मैं एटॉमी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में इससे अच्छा प्लान और इससे अच्छा अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं देखे। मैं डायरेक्ट कहता हूं, अगर नेटवर्किंग कंपनी में आपने एटॉमी नाम का एक बच्चा पाल लिया और इस बच्चे को पालने का कुछ भी खर्चा नहीं है, अगर आपने इस बच्चे को अच्छे से 3 से 5 साल पाल लिया, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं, ये बच्चा आपकी लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर देगा। अभी आप अगर अपना एक आप अपने खुद के बच्चे को अगर पालते हैं तो उसको लिखाना, पढ़ाना, खिलाना, स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, डिग्री कराना, ये सब में आपका कई करोड़ रुपया खर्च हो जाता है ऑन एन एवरेज। मगर आपने इस एटॉमी नाम के अगर एक बच्चे को पाल लिया, तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है फ्री हो जाएंगी, है ना। यहाँ पर इतने बेनिफिट्स हैं इसके कि आप यहाँ पर जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन जाएंगे। यानी जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो हमें किसी को जॉब, अब हमें यहाँ पर क्या करना, हमें लोगों को सिर्फ बताना ही तो है, लोगों को बताकर हम यहाँ पर लाएंगे और वो भी लोगों को बताकर, यानी हम यहाँ पर लोगों को जॉब दे रहे हैं एक तरीके से, एक तरीके से हम लोगों को बिजनेस दे रहे हैं। यहाँ पर हम बिजनेस ओनर हैं, हम इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। हम जब भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम बिजनेस ओनर बनते हैं। पर्सनैलिटी यहाँ पर टोटली हमारी चेंज हो जाती है, टोटली चेंज योर वर्ड्स। सबसे पहले हमारे यहाँ पर बोलने की जो हम जो बोलते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वो चेंजेस आते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम जो किताबें पढ़ते हैं, हम जो फिल्में देखते हैं, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, वैसा हम बोलते हैं। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व होता है, और जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है वैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जैसे ही आप नेटवर्किंग ज्वाइन करते हैं और नेटवर्किंग ज्वाइन करने के बाद आप मीटिंग्स, फंक्शन, सेमिनार्स में आते हैं, तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी और आपके वर्ड्स दोनों चेंज हो जाते हैं। आपको रिलेशनशिप मिलती है, मतलब अनजान लोगों से अपनों से ज्यादा यहाँ पर प्यार मिलता है, अनकंडीशनल लव मिलता है, और आपको भी अनकंडीशनल लव ही करना है ना।
और यहाँ पर सर्विंग एटीट्यूड है, यहाँ पे हर कोई किसी को कुछ देना चाहता है, कोई किसी से कुछ नहीं लेना चाहता, कोई आपसे एक रुपया नहीं मांगेगा रिश्वत का, कोई आपसे एक प्रोडक्ट नहीं मांगेगा, कोई आपसे कुछ नहीं मांगेगा, यहाँ पर लोग आपको देंगे। ये बिजनेस प्लान में आपको दे रहा हूँ, ये आपको प्रोडक्ट्स के बारे में आप बता रहा हूँ, हमारा एटीट्यूड ही यहाँ पे सर्विंग होता है। और यहाँ पर हमें मौका मिलता है आम से खास आदमी बनने का, है ना, टेंशन को दूर भगाने का। एक बार आपने नेटवर्क मार्केटिंग ढंग से कर ली, हाउ लाइफ आपकी टेंशन फ्री हो जाएगी ना, लाइफ में लाइफ स्टाइल आ जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर आ जाएगी, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, है ना, आपको एक स्टार बनने का मौका मिलता है। हम इस कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं अपनी कंपनी के, क्योंकि हम कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में दूसरों के थ्रू एड नहीं करवाती हैं, और यहाँ पर हम ही लोग होते हैं जो स्टार्स होते हैं, जो हम लोग इस यहाँ पर डेवलप करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को और प्रोडक्ट के नाम को। ये हमारी ही खासियत है, ये हमारी ही सेल्फ इमेज है कि हम बेहतर चीजों को बेहतर लोगों को प्रस्तुत करते हैं। दुनिया भरी पड़ी है, बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, सर मैं वहां रहता हूँ, मैं गाँव में या देहात में हूँ या मैं बैकवर्ड एरिया में हूँ, वहां पर लोगों को समझ नहीं आती, वो महंगे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, तो सर आप क्यों देना चाहते हो? आप ऐसे लोगों के पास कम जाए ना, आप ऐसे लोगों के पे जाए, मैं ये नहीं कहता आप गरीबों पे ना जाए, डेफिनेटली जाए, मगर एक्चुअल वो ड्रीमर तो हो कम से कम, पैसा ना है कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ड्रीमर तो होना चाहिए। अगर बंदा ड्रीमर है तो डेफिनेटली वो अपना रास्ता निकाल लेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि कंपनी तो आपसे पैसे मांग ही नहीं रही है काम करने के लिए, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो अनइक्वल पीपल, मतलब ये एक समान ऐसी व्यवस्था है जो अनसमान लोगों के लिए भी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अनइक्वल पीपल। नेटवर्किंग इज अ नोबल जॉब, मैं कहता हूं नेटवर्किंग एक नोबल जॉब है। लोग कहते हैं ये चेन बनाने का बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है, वैसा, मैं कहता हूं ये नोबल जॉब है। क्यों नोबल जॉब है? क्योंकि हम अपने साथ साथ लोगों की सेहत अच्छी कर रहे हैं, अपनी हेल्थ और लोगों की हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, अपनी वेल्थ और लोगों की वेल्थ अच्छी कर रहे हैं, यानी हमारे पैकेट पॉकेट में भी पैसा आ रहा है और लोगों की पॉकेट में भी पैसा जा रहा है। टोटली रिस्क फ्री है, कोई भी रिस्क नहीं है यहाँ पर, नो मेजर इन्वेस्टमेंट, कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेजर इन्वेस्टमेंट की आपको पेस्ट पसंद आ रहा है पेस्ट खरीद लो, ब्रश पसंद आ रहा ब्रश खरीद लो, डिटर्जेंट पसंद आ रहा डिटर्जेंट खरीदो, जो आपको पसंद आ रहा वो खरीदो, पैसे देके चीज लोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं। फैमिली बिजनेस, सबसे बड़ी चीज ये फैमिली बिजनेस बन जाता है। अभी आप जो भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसमें अपने आप लड़के को लड़की को भाई को बहन को माँ को बाप को बीवी को आप इन्वॉल्व नहीं कर पाते, मगर ये ऐसा बिजनेस है जहां पर हम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर पाते हैं। और फैमिली मतलब आप देखो, अभी शायद हमारी ही मीटिंग में एक लड़की होगी जो शायद 5th क्लास में पढ़ती है, 8 साल की होगी, अभी उसको बुलाएंगे, डेफिनेटली वो हैंडरेस करके आएगी और बताएगी कितना अच्छा बताती है, कितना बेहतर तरीके से वो काम करती है, प्रोडक्ट भी सेल कर देती है और बिजनेस प्लान भी उसको पूरा पता है ना। और करना क्या, अनप्रोडक्टिव टाइम, जिस टाइम से हमारा प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है उसको हमें यहाँ पर लगाना है। फैमिली बिजनेस है, 2 से 3 घंटे आप डेली दे सकते हो इस बिजनेस को, बड़े आराम से कर सकते हो। 2 से 3 साल का समय अगर आपने यहाँ पर, 2 से 3 साल अगर आप जॉब करते करते अगर आपने यहाँ पर समय दे दिया, मुझे नहीं पता 2 से 3 साल में अगर किसी की 50,000 सैलरी है तो इंक्रीमेंट होके मेरे ख्याल ज्यादा ज्यादा 60,000 तक पहुंच जाएगी। अगर 2 से 3 साल अगर आपने इस बिजनेस में दे दिए तो मैं ये गारंटी लेता हूं आपकी इनकम अलग से यहाँ पर 1 लाख से 4 से 5 लाख तक की इनकम आराम से हो जाएगी। और ये इनकम आपको इतनी बड़ी लगने लगेगी कुछ टाइम के बाद, आप टोटली फ्री हो जाएंगे और अपनी जॉब को भी क्विट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सपने देखने की, आपको देखिए जब इस बिजनेस में आप आते हो नेटवर्किंग अंदर, तो यहाँ पर पहली बार आपसे पूछा जाता है कि आपके क्या सपने हैं, क्या आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, क्या आप बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, क्या आप बड़ा बैंक बैलेंस चाहते हैं, क्या आप अपनी लाइफ में क्वालिटी टाइम चाहते हैं, क्या आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, क्या आप पेरेंटल केयर करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ। हमारी जो भी जॉब और बिजनेस है वहां पर कोई नहीं पूछता, टाइम का नहीं पता, कब आना कब जाना, कब खाना कब पीना, कुछ नहीं पता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पार्ट टाइम में बगैर किसी मेजर इन्वेस्टमेंट के अनप्रोडक्टिव आवर को प्रोडक्टिव आवर बनाकर, लोगों से बात करके, अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे बिजनेस प्लान की जानकारी देकर आप इतने अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि शायद अभी बहुत लोगों के कम समझ आएगी, मगर जिनको समझ आ गई है
वो इस बिजनेस को 25-25 साल से लगातार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने जाने अनजाने ऐसी कंपनियों को पकड़ लिया, जिन्होंने पैसे का लालच दिया कि हम 80% पैसा बांट देंगे, 90% पैसा बांटेंगे, मगर एक्चुअल में उतना पैसा बांटते ही नहीं है। उनके प्लान में कुछ दम नहीं थी, टोटली मनी चेन पे काम कर रहे थे, लोगों के पैसे को। यहाँ पर पैसा आपसे 2,000 रुपया लिया और आपको 1,000 रिफंड कर दिया, 2,000 लिया 1,000 रिफंड कर दिया। ये कंपनियां 6 से 6 महीने साल भर मुश्किल से चल पाती, बंद हो जाती हैं। बहुत सारी आज ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो फोर्सेज जैसे मतलब ट्रेडिशनल मार्केट से हटके करेंसी में काम कर रही हैं, करेंसी के अंदर, वहां पर लोग पैसा अभी करेंसी वर्चुअल करेंसी को तो अभी पूरी तरीके से लीगल नहीं हुई है और लोग काम कर रहे हैं, वहां पे लोगों का पैसा फंस गया। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आदमी ना चाहते हुए भी कम कर रहा है, मगर वहां पर आपको पहले पैसा देना है, पैसा इन्वेस्ट करना है। जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना पैसा कमाओगे, और गारंटी कुछ नहीं कि कम भाग जाए। अब हम यहाँ पर क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर थोड़ी सी बात करता हूँ, क्यों लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, इसको 2 मिनट में हम खत्म कर देंगे टॉपिक को। क्यों नहीं सक्सेस हो पाते, क्यों नहीं सक्सेस हो पाते हैं, हम लोग कुछ अनएथिकल कंपनीज में काम करते हैं। चाहे तो आप लिख लीजिए मेरी बात को, अनएथिकल कंपनी में आप काम करेंगे, जिन कंपनी के एथिक्स ही नहीं है काम करने के, तो डेफिनेटली आप भी डूबे। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे शर्म, तुम्हें भी लोग डूबेंगे, यानी आप तो डूबोगे डूबोगे औरों को भी डुबा दोगे। है क्राउड फंडिंग है, मनी चेन्स है, इनके अंदर काम करेंगे, यही होना है। कुछ ऐसी कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड जहां पर हम काम तो कर लेते हैं मगर उनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, यानी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ना होने की वजह से लोग दोबारा रीपरचेजिंग नहीं करते हैं, तो बिजनेस आगे नहीं चलता है। इनकम प्लान इतना टिपिकल है कि वो समझ से बाहर है। दूसरी बात, मल्टी लेग प्लान है, यानी यहाँ पर हमें सिर्फ 2 लोग लाने होते हैं, बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे डायरेक्ट लाने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, है ना। मल्टी लेग कंपनियों में, मल्टी लेग प्लान में काम करेंगे तो भी आप काम नहीं कराएं। मंथली परचेज की अगर रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है कुछ कंपनियों के अंदर, यानी ऑलमोस्ट कंपनियों के अंदर मल्टी मतलब मंथली परचेज मैंडेटरी है। हमारी ये एटॉमी कंपनी ऐसी है जहां पर आपको हर मंथ परचेज करने की जरूरत नहीं है। और कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपने वहां पर एक अपना मंथली परचेज हर महीने नहीं करी, तो आपको आपकी टीम के द्वारा करे गए बिजनेस से इनकम नहीं आएगी। सपोर्ट सिस्टम नहीं है कंपनी का अच्छा, हमारी कंपनी का सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि जिसकी वजह से ग्रोथ होना यहाँ पर अनिवार्य है, 100% ग्रोथ निश्चित है। एजुकेशन सिस्टम कंपनी का अच्छा नहीं है, हमारी एटॉमी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है। आए दिन कंपनी कोई ना कोई सेमिनार कर रही है, आए दिन कंपनी कुछ ना कुछ नया दिखा रही है, नया कर रही है। मेंटरशिप प्रोग्राम अगर नहीं आपको मिल रहा है तो भी आप फेल हो जाएंगे। सेल्फ इमेज अगर आपकी हाई नहीं है तो भी आप फेल हो जाएंगे। अगर आप डेली बेसिस पे लगातार काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपने सोचा मैं आज कर लूं, कल छोड़ दूं, कल का काम परसों कर लूं, तो भी ये गारंटी है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस नहीं होंगे। मीटिंग्स, फंक्शन, सेमिनार को अगर आप लगातार अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो आपका पैसा नहीं लगा ना, पैसा नहीं लगा तो हम कहते हैं चलो यार आज मीटिंग नहीं करेंगे, आज सेमिनार में नहीं जाएंगे। मगर आप रेगुलर बेस पे अगर मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार्स में नहीं है तो भी आपकी सक्सेस यहां पर ग्रो नहीं करने वाली है ना। और कुछ लोगों का कुछ ऐसा एटीट्यूड कि मैं सब जानता हूं, अगर आप सब कुछ जानते हैं तब भी आपकी सक्सेस यहाँ पे निश्चित नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि सीखने के लिए उम्र भी कम है, पूरी उम्र भी सीखने के लिए कम है। अगर आप लगातार सीखने के लिए तैयार हैं तो लगातार आपकी ग्रोथ यहाँ पे निश्चित है, आप लगातार यहाँ ग्रोथ करेंगे ही करेंगे। ईगो, अगर आपके अंदर ईगो है, अहंकार है, आप मान लीजिए आप हाई प्रोफाइल के हैं और आपकी अपलाइन हाई प्रोफाइल की नहीं है, आपकी डाउनलाइन लो प्रोफाइल की है, तो आपके अंदर एक ईगो होता है, उस ईगो को हटा दो। आपकी अपलाइन आपसे उम्र में, पैसे में, तजुर्बे में, पढ़ाई में छोटी हो सकती है, देखने में सुंदर नहीं हो सकती है, उतनी हैंडसम ना हो, मगर जरूरी नहीं है कि वो आपसे अच्छा ना कर सके। इसको अहंकार, ईगो को निकाल दीजिए। ईगो अगर आपके अंदर है आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। डू नॉट डेवलप योर स्किल, अगर आपने यहाँ कर आके मीटिंग्स और सेमिनार्स के थ्रू अपनी स्किल डेवलप नहीं करी तब भी आप बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। हेजिटेशन, शर्म है, अगर आपके अंदर हेजिटेशन है कि मैं क्यों उसको फोन करूं, मैं क्यों उससे बात करूं, मैं क्यों रोज करूं, तब भी आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। एक चीज है कोल्ड कॉन्टेक्टिंग। कोल्ड कॉन्टेक्टिंग क्या होता है? अनजान लोगों से बात करना
उनसे फोन नंबर एक्सचेंज करना, उनसे रिलेशनशिप क्रिएट करना। कोल्ड कॉन्टेक्टिंग हम कहीं भी कर सकते हैं, चाट खाते हुए कर सकते हैं, पान खाते हुए कर सकते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हुए कर सकते हैं, मॉल में शॉपिंग करते हुए कर सकते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए कर सकते हैं, वीकेंड्स पे जाकर कर सकते हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं वहां कर सकते हैं। नए लोगों से अगर आप लगातार रोज नहीं मिल रहे हैं 4 से 5 लोगों से, तो भी आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। डू नॉट कॉल डेली योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। एक और खासियत बता दूं, अगर आप इस बिजनेस में हैं और लगातार आप तकरीबन तकरीबन रोज अगर अपलाइन और डाउनलाइन से बात नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इस बिजनेस से दूर होते जा रहे हैं। डू नॉट चेंज योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, तो भी आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। डू नॉट क्रिएट रिलेशनशिप विद अदर्स। अगर आप दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे लोगों को प्यार नहीं दे पा रहे हैं, इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, तब भी आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लोगों को अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, है ना, तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी पीपल। किसी भी आदमी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपको नहीं पता कब गुदड़ी में छुपे हुए लाल निकल आएंगे, आपको नहीं पता कब राहुल राजेश जैसे यंगस्टर्स, 23 साल के लड़के जिनका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो इस बिजनेस में सेल्स मास्टर बन जाएंगे, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कब विकास पाठक जी, विकास गौतम जी जैसे बड़े बड़े लीडर्स कैसे क्या कर जाएंगे। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपको नहीं पता आप किसी की पढ़ाई और शक्ल पर मत जाए, है ना। अगर आपने एक ड्रीम डायरी, देखो एक बहुत बड़ी बात है, अगर आपने इस बिजनेस में आके ड्रीम डायरी नहीं बनाई है, अगर आपने एक अच्छी खूबसूरत कॉपी या किताब या एक डायरी खरीद के उस पे अपने 5 से 10 ड्रीम नहीं लिखे हैं और उन ड्रीम को आपने लगातार विजुलाइज नहीं करा, तो आप इस बिजनेस को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये टॉपिक किस दिन ड्रीम बिल्डिंग पे लिया जाएगा। और अगर आप लगातार इस बिजनेस में आने के बाद भी नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो भी आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी यहां पर आके नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। डू नॉट टीचेबल। अगर आप टीचेबल नहीं है, अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, तो भी इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत सारी बातें बताई, ये भी बताया कि बिजनेस कैसे होगा, ये भी बताया कि बिजनेस कैसे नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज आप मान लो, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहली शर्त है आपका 18 साल का होना और आपका ड्रीमर होना। अगर आप ड्रीमर हैं, अगर आप सपने देखते हैं और उन सपनों को देखने के लिए अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, टाइम चाहे आप 1 घंटे का लें, 2 घंटे का लें या 3 घंटे का लें पूरे दिन में, अगर आप लगातार काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो रिजल्ट तो आपको जरूर आएंगे, 100% आएंगे। क्योंकि तरक्की जो है वो आपसे कुर्बानी मांगती है। किस चीज की कुर्बानी मांगती है? आपकी मेहनत मांगती है, आपके समय की कुर्बानी मांगती है, आपसे समय मांगती है। वो चाहती है कि आप उसको समय दें। अगर आपने उसको समय दिया डेली बेसिस पे, अगर आपने लोगों से बात करी डेली बेसिस पे, अगर आप लोगों से मिल रहे हैं, अपलाइन डाउनलाइन से बात कर रहे हैं डेली बेसिस पे, अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो ये गारंटी है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब लाखों करोड़ों रुपए की मंथली इनकम आपके अकाउंट में आके सिर्फ एक टक बोल के गिर जाया करेगी। 100% लीगल इनकम होगी, क्योंकि हमारी जो कंपनी है ग्लोबली है, 17 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। हीमोहीम जैसे बेहतर वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास हैं, वर्ल्ड के बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, वर्ल्ड का बेस्ट बेस्ट यानी ओरल डेंटल केयर हमारे पास है, वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हमारे पास है, वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी के ऑनर हमारे पास है, और ऐसी कंपनी जिसका अपना प्रोडक्शन हाउस है, ऐसी कंपनी जिसके अपनी टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन से बेहतर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, बेहतर से बेहतर एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रही है, बेहतर से बेहतर बिजनेस प्लान आपको दे रही है, बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आपको दे रही है, अगर ये सारी चीजें आप सीखने और करने को तैयार हैं, मैं आज गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी सक्सेस आने वाले टाइम में गारंटीड है। देखिए मैं बात कहता हूं, एक बात, 2019 आया, फिर 19 से 20 हुआ और 20 से 21 हुआ, यानी लगातार 19 से 20, 20 से 21, 21 के बाद 22 होगा, 23, 24, 25, यानी चीजें बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट है कि 2025
तक 65,000 करोड़ से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होने वाला है। और आप सोच लो उस 65,000 करोड़ के टर्नओवर के अंदर आपका टर्नओवर कितना होगा, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी टीम, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी, और जितनी बड़ी नेटवर्थ होगी उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी, जितनी बड़ी आपकी इनकम और जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना बड़ा आपका नाम होगा, जितना बड़ा आपका नाम होगा उतना बड़ा आपका ओहदा होगा, और जितना बड़ा ओहदा होगा उतने ज्यादा लोग आपको जानेंगे और प्यार करेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि लोग दुनिया में आपको जाने? क्या आप नहीं चाहते कि लोग बोलें कि आज वो स्पीकर आ रहा है, आज वो स्पीकर आ रहा है और वो स्पीकर आ रहा है? आप क्या नहीं चाहते कि आने वाली आपकी पीढ़ियां आपको याद करें और बोलें, यार ये मेरे दादा थे, ये मेरे पापा थे, और ये एक ऐसा बिजनेस, ऐसा नेटवर्किंग खड़ी करके गए हैं जिसकी बदौलत आज मैं और मेरी आने वाली पीढ़ियां फ्री हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, माँ बाप को, बच्चों को विदेश यात्रा कराएं? क्या आप नहीं चाहते कि आप लग्जरी लाइफस्टाइल इस्तेमाल करें? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बड़े बड़े बंगले, आपके बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपके बड़े बड़े घर हो? क्या आप नहीं चाहते कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं दिल से मगर आज नहीं कर पा रहे हैं? ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी इनकम देगा कि आप लोगों की मदद कर पाओगे। आज आप सोच रहे हो कोई आपकी मदद कर दे, आज इस बिजनेस को कर लीजिए, आने वाले 2 से 3 टाइम में आपकी जेब में, आपकी मुट्ठी में वो पावर होगी कि आप लोगों को मदद करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेसफुल लोग ये काम करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपको बाई फेस पहचाने? आप चाहे लोगों को ना जानते हो मगर लोग बोल रहे हैं कि ये जा रहे हैं भीषम जी, ये जा रहे हैं हमारे अरुण मीना जी, ये जा रहे हैं हमारे घोषाल बाबू, ये जा रहे हैं हमारे सुशील जी, है ना? क्या आप नहीं चाहते कि आपका नाम लेके नहीं बोले कि ये अनुरुद्ध जी जा रहे हैं, ये मनोज जी जा रहे हैं, है ये राजेश जी जा रहे हैं, ये सतरामी जी जा रहे हैं? नहीं चाहते? अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। आज मत करना, आने वाले भविष्य में आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे करेंगे, और आपके बच्चों ने भी नहीं करी तो उनके बच्चे करेंगे। यानी जो काम तीसरी पीढ़ी ने करना ही है तो आप आज क्यों नहीं कर लेते? अगर आपने आज इस प्लान को करा, इस बिजनेस के अंदर बेहतर से बेहतर हस्ती आपको, आपको नहीं पता, देखो अगर आप गरीब हो, अगर आप पे पैसा नहीं है, आप ऐसे लोगों को बिजनेस प्लान दिखाओ, ऐसे लोगों को ले आओ जो अमीर हो, जिनके पास पैसा हो। आप कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को ले आओ जो ज्यादा पढ़े लिखे हो। आप डॉक्टर इंजीनियर है, आप डॉक्टर इंजीनियर्स को इस बिजनेस के अंदर ले आओ। आप जो चाहते हो वो आप इस बिजनेस के अंदर कर सकते हो और किसी काम के अंदर नहीं कर सकते। ये एक अकेला नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ऐसा प्लान होता है जहां पर आप सक्सेस होते हैं। जिन कंपनी के पास प्रोडक्ट्स में दम है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो इस दुनिया पे राज कर रही है और करेंगी करेंगी। आज हमारी कंपनी टॉप 11 के अंदर आती है, ये गारंटी है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हम टॉप 5 के अंदर 100% होने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दूं, बहुत तेजी से हमारी कंपनी का बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंच बनाए हुए हैं। एक बार अगर हमने लोगों को प्रोडक्ट्स दे दिए और उनकी खासियत बता दी, तो देखिए अगर आपने किसी की नीड क्रिएट कर दी, अगर आपने किसी को बता दिया कि एक पेस्ट लेने से आपकी कितनी दांतों की समस्या दूर होगी, और उस समस्या अगर बनती बनी रहती है ऑर्डिनरी पेस्ट करने से, तो आगे जाके आपके दांतों का कितना खर्चा होने वाला है। अगर आपने लोगों को बता दिया कि आप जो शैंपू, जो तेल जो इस्तेमाल सर पे कर रहे हैं, उससे आगे जाके आपके सर पे क्या फर्क पड़ेगा और इन प्रोडक्ट को यूज करके क्या फर्क पड़ेगा और उसमें क्या पैसे का डिफरेंस आएगा, आपने अगर एक बार बता दिया, आपने बता दिया कि हमारे ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट से अगर आप 60 साल की उम्र में भी यंग दिख सकते हैं, जवान रह सकते हैं, तो डेफिनेटली लोग करेंगे। आप अगर उनको बता दो कि हमारे पास ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करने में सक्षम है, ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो और कंपनियों के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है और रेट में भी आधे से ज्यादा कम पैसे में पड़ रहे हैं, और हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट जो है रिसर्च संस्था हमारी कैरी के अंदर बनते हैं, है ना, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर डेवलप होते हैं, और कॉलमार जैसी संस्था उनको प्रोडक्ट बना के आगे देती है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बिजनेस ओनर भी मिलने वाले हैं और साथ साथ आपको यहाँ पर अपने ग्राहक भी मिलने वाले हैं। यानी इस बिजनेस की खासियत है, जब तक आपकी अच्छी टीम नहीं बन रही है, आप प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाकर एक इनकम क्रिएट कर सकते हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है, चाहूं तो बहुत लंबा लेके जा सकता हूं, मगर मैं चाहूंगा कि मैं टॉपिक को यहीं पर खत्म करूं, और आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ सुना, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अनु जी, प्लीज वेलकम।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच. आपने बड़े ही जबरदस्त तरीके से आज की प्रेजेंटेशन दी है. रियल बताओ तो सर, आज की जो आपकी स्पीच थे उसमें सारा कुछ था, एजुकेशन भी थी, मोटिवेशन भी था, सारा कुछ था एक ही स्पीच में. आपने सब कुछ बता दिया सर. आपने नेटवर्किंग की पावर को शो किया है सर, बड़े ही शानदार तरीके से. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. थैंक यू अनुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. तो मैं सबसे पहले विकास सर को इनवाइट करना चाहूंगी. वेलकम सर. मनोज ग्रेट सर, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर। सर रेली सर, आज सेशन जबरदस्त है सर। आपने हर चीज को, नेटवर्क मार्केटिंग को आज मैं मेरी भाषा में बोलूं तो खोपड़े के पार कर दिया सर। हम हर हाल में इस बिजनेस को करेंगे सर, नए नए लोगों से रोज मिलेंगे सर, पैसिव इनकम हम लोग लेंगे सर। हर हाल में इस बिजनेस को करना सर। जिंदगी ने दोबारा से मौका दिया सर बहुत साथियों को अपने सपने पूरे करने का सर। वो एक ही जरिया है, वो नेटवर्क मार्केटिंग। आज का सेशन बहुत शानदार रहा अनु मैम, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त रही। और मैं चाहता हूँ अनु मैम एक बार आप सुशील जी को बुलाइए, बीसम चौहान को बुलाइए, राम चौधरी जी को बुलाइए और अरुण मीना जी तो हैं। जी जी सर, तो जी सर, मैं तो अनम्यूट हूँ। विकास जी का लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है। तो थैंक यू मैम, मैं मनोज जी के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ सर। आप बोलते रहिए सर। थैंक यू, आज आपको so सुनने का ऐसा फीलिंग हो रहा है ना मेरा, मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये मेरे कान में लीड लगी रहे और आपका वो वीडियो जैसे चलता है वो चलता रहे वो मतलब रुके ही ना। एक्चुअली क्या बोलते हैं सर, मतलब क्या खाते हैं सर, कहाँ से लाते हैं सर, एक मतलब कहते हैं एक सांस में जो गाना गाते हैं ना वो आपने बता दिया। एक पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपने शायद छोड़ा हो, मुझे नहीं लगता कुछ नहीं छोड़ा होगा सर। विकास जी की ही बात कहता हूँ सर, एक्चुअली मतलब खोपड़ी में सब कुछ डाल दिया उन्होंने, कहा पार कर दिया। मैं कहता हूँ हर किसी की खोपड़ी में आपने वो डाल दिया। अगर जिसने ले लिया वो 100% अपनी सक्सेस को बुनाएगा, जरूर होगा सर। थैंक यू मनोज सर, ऑसम, ग्रेट, अमेजिंग। मैं विकास जी को बुला लूं पहले। विकास गौतम जी अनम्यूट कर लें सर। बोल रहा हूँ और रो नहीं पाया मैं आपको। अरुण जी, मनोज जी ने लोगों, देखो हम लोगों को बोलना तो आता था लेकिन कब क्या बोलना वो सिखाया मनोज जी। मनोज जी के आने के बाद में टीम में बहुत एजुकेशन मिली सर। मनोज जी ने एक एक साथी को मीटिंग लेना सिखाया सर। आप जो भी स्पीकर आप देख रहे हैं ना जी सर, वो मनोज जी का हाथ है उसमें। बहुत बड़ा सहयोग मनोज जी का है। पूरी टीम को निखारने में मनोज जी ने शिद्दत से सर एक एक बीज को पेड़ बनाया सर। जितने भी स्पीकर आज दिखाई दे रहे हैं वो टोटल की टोटल मनोज जी की देन है सर। मनोज ने बहुत काम किया सर। थैंक यू सो मच मनोज जी, आप मेहनत रंग लेके आ रही सर, बहुत रंग लेके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल विकास, विकास जी मैं आपको बताऊं, बीच में कम से कम 3 से 4 बार ऐसा हुआ सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, एक्चुअली हो गए सर। और मतलब कहते ना सन्नाटा सा छा गया। और मनोज सर ऑसम, जबरदस्त। विकास जी आ गए, विकास जी फिर नहीं उठ गए, बहुत जबरदस्त सर मनोज जी। और मैम आप मुझे नाम बोलेंगे और मैं अनम्यूट करता हूँ। जैसे उन्होंने कहा राम जी को और सुशील जी को, तो सबसे पहले राम जी को करता हूँ जी। वेलकम राम सर, वेलकम। थैंक यू अरुण सर। मैं आज मनोज सर को एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा कि मैं एक परंपरा रही है लाइफ में सभी लोगों के साथ कि बिन गुरु चेला कभी सक्सेस नहीं होता है। और मैं इस जूम मीटिंग पे आज एक अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि मैं इस एटॉमिक प्लेटफॉर्म पे अगर जो एक गुरु मंत्र देता है ना कान में और वो एक परमानेंट चेला बनता है उनका, तो आज ओपनली मनोज जी ने एक ऐसे मंत्र दे दिए इस जूम मीटिंग में कि मैं मनोज जी को आज से इस जूम एटॉमिक प्लेटफॉर्म पे गुरु मानता हूँ
और आज के बाद मनोज जी सर को फॉलो अप करते हुए इस एटम में एम्प्रेल मार्च तक पहुंचने का वादा करता हूं, क्योंकि आज हमारी नसों में वो एक रोटेट क्रिएट कर दिया मनोज सर ने, जो शायद रात भर नींद नहीं आए। और हमारी एक इच्छा है कि इस जूम मीटिंग को मतलब कंटिन्यूटी सुबह तक भी कंटिन्यूटी ये चलेगी तो हम सुनते रहेंगे, एक प्लग भी नहीं जपकेगी हमारी। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू अरुण सर, थैंक यू अरुण सर, इसी तरह अगर जूम मीटिंग चलती रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू इस जूम मीटिंग, थैंक यू सो मच मनोज जी सर, ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम बुलाते हैं सुशील सर को, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मनोज सर जी, दिमाग तो वही हिल गया जब आपने कहा कि चादर ही बड़ी कर लो। और मैं सच में, मैं हमेशा किसी का भी कोई स्पीकर है सर, मैं नोट्स लिखता हूँ। मेरा डायरी अभी तक आधा भर चुका है मात्र 3 महीने में, बहुत मोटी डायरी। आज भी मैं जैसे ही चादर बड़ी की बात हुई सर, देखिए मैं एक कहावत हमेशा लोगों को कहता था, जब भी घी नंदी तो उम्मीद टेढ़ा करने से अच्छा कि डब्बा ही गर्म कर दो, पूरा घी चाहिए। उसी तर्ज पे था सर कि चादर ही बड़ी कर लें, क्यों हम जितना चाहे उतनी पैर फैलाए। और सर नोट्स लिखना शुरू किया तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस ग्रुप में ही वो काम कर दूं, अगर किसी का कोई पॉइंट छूट रहा हो तो वो रिकॉल कर लेगा। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त, थैंक यू, हाँ बहुत जबरदस्त सर। और मैं, मुझे भी लगा कि ये मौका किसी के हाथ से ना जाए, बहुत कुछ सीखने को मिला था सर। जो अभी जस्ट मीना सर बोले कि रोंगटे खड़े होने के बाद, सर सच में कभी हम लोग ये सोचे ही नहीं कि चादर ही बड़ी क्यों ना कर ले भाई, क्यों हम उतना ही पैर फैलाए, पूरा आसमान है उड़ने के लिए। और ईगल बने, ईगल बाज, बाज हमेशा बादल के ऊपर उड़ता है, चिड़िया नीचे उड़ती है, पानी पड़ेगा चले जाएंगे घोंसले में, लेकिन बाज हमेशा बादल के ऊपर जाता है कि बढ़ना नहीं है, वही बनना है। थैंक यू, मैं विनोद जी को बुलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि विनोद जी का आना बड़ा जरूरी है। विनोद जी, जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू अरुण कुमार जी, अरुण जी थैंक यू, और आज का होस्टिंग अनु शर्मा मैडम जी जबरदस्त, आपको भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, थैंक यू। और मेरा परिचय विनोद राजपूत फ्रॉम मुंबई मलाड से, एटोमी परिवार में सभी का पैसों की दुनिया में स्वागत करता हूं दोस्तों। और मेरे ग्रेट सीनियर और आप सभी के चाहते सीनियर से विकास गौतम जी को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। और आज का सेशन काबिले तारीफ, जितनी बातें करूं इतनी कम है, जैसे विकास जी ने बताया उसी तरह सेम मैं आपको सेम टू यू कहना चाहता हूं। दिल्ली से मनोज कुमार जी, आपकी वैसे तो मैं फैन हूं आपका, भले आप 1 महीना या 2 महीना देरी से आए, पर काबिले तारीफ इंडिया में छा चुके हैं और हमारे परिवार के अंदर, हमारे विकास सर के टीम के अंदर जबरदस्त छा चुके हैं। आपके मतलब जितने बातें करूँ इतने शब्द कम है सर। ग्रेट सर, आपको जब भी समय मिले आते रहिए सर, वेलकम करता हूँ। और सभी पार्टिसिपेंट को, सभी टीम को मैं थैंक यू के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शायरी के साथ सर प्लीज खत्म करें अपनी बात, शायरी के साथ सर प्लीज। विनोद सर जी, एक बढ़िया शायरी के साथ खत्म करें सर। शायरी तो अभी क्या बताऊं, मनोज कुमार के लिए एक ऐसा बात बताना चाहूंगा कि देखो नॉलेज, हर कोई इस इंडस्ट्री में नॉलेज होना जरूरी है। तो आदमी नहीं चलता, आदमी का कॉन्फिडेंस चलता है। और मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस सिर्फ नॉलेज से आता है। तो हमारे कुमार मनोज जी के पास इतना जबरदस्त नॉलेज है कि मैं क्या बताऊं सर, काबिले तारीफ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हकीकत में जब से मैं सुनते आ रहा हूँ और जब से मैंने होश संभाला कि इतना सर आप कैसे मैनेज कर लेते हो, और इस तरह से कंटिन्यू लगातार बार बार बोलना और बिना ब्रेक से, एकदम काबिले तारीफ है रियली आपके लिए सर। एक मैं सारी बोलना चाहूंगा जो मैंने बोली थी, राहत भी अपनों से मिलती है, राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है, अपनों से कभी रुठना नहीं, क्योंकि बिजनेस भी सिर्फ अपनों से ही मिलता है दोस्तों। लोगों को अपना बनाते रहिए, बस बिजनेस के अंदर अपने को समझिए और अपने के साथ चलते रहिए, आप 100% एटोमी के अंदर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। विश्वास वही है, विश्वास वह शक्ति है जिससे
उजड़ी हुई दुनिया को में प्रकाश लाया जाता है। सब आप वो प्रकाश हो सर, के इंडिया के अंदर एटोमी आई है पर वो प्रकाश रूप आपका नॉलेज पूरी इंडिया के अंदर छा जाने वाला है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अरुण जी क्या एक शेर मैं सुना दूं सर? रियली हृदय सर? सर बिल्कुल सर, नेकी और पूछ-पूछ सर, नेकी और पूछ-पूछ प्लीज सर। ओके क्यों मनोज ने सुनाया? ओके, वक्त इंसान को बहुत आजमाता है, वक्त इंसान को बहुत आजमाता है, पर अगर कोशिश सच्ची हो तो इंसान के आगे आसमां भी सर झुकाता है, आसमां भी सर झुकाता है। क्या बात सर। थैंक यू। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका समस्या नहीं हो, जिसका कोई समस्या ना हो। पृथ्वी पर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। ऐसे कोई मंजिल नहीं, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होता है दोस्तों। ऐसा आज का सेशन जबरदस्त, मनोज कुमार के नाम, ग्रेट सर, सैल्यूट, जबरदस्त। मैम आप बताएं किनको अनम्यूट करना है, मैं अनम्यूट करूं जी। नेक्स्ट हम बुलाते हैं संजय चंद सर को जी। बिल्कुल संजय जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सभी एटोमियंस को मेरा नमस्कार। मैं सर मुंबई से हूँ और मनोज सर का तो सेशन सर बहुत लाजवाब रहा है आज का। और मैं सर यही केयर कर रहा था कि कम से कम 1.5 घंटा से ऊपर सर एक ही सांस में बोलते चले गए। क्या एनर्जी है सर की, बहुत जबरदस्त सर। और सर मैं एटोमी में सर इतना मीटिंग में ज्वाइन किया हूँ, लेकिन आप जैसा सर बोलने वाला आज तक मैं नहीं सुना आज तक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बिना रुके हुए सर, बिना एक सेकंड भी आप रुके नहीं है, पूरा 1.5 घंटे से ऊपर आप बोलते चले गए। आपका एनर्जी सर बहुत दमदार है सर, बहुत अच्छा लगा सर। और मैं तो आपका जब भी मीटिंग रहेगा ना सर, तो मैं इस लिंक से तो हमेशा जुड़ता हूँ और हमेशा जुड़ना चाहूंगा कि सर आपका सेशन जरूर मिले। और बहुत सारे लीडर का भी, विकास गौतम सर का भी बहुत लाभदायक मीटिंग रहता है। और थैंक यू सर, बाकी तो कुछ नहीं मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच संजय जी। डेफिनेटली आप लोग का प्यार मिलेगा सर, डेफिनेटली लगातार आते रहेंगे, आप लोग से सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे, नो डाउट। थैंक यू संजय जी। और एक और ग्रेट लीडर है हमारे साथ, विजय सिंह सिसोदिया जी को अनम्यूट कर दिया है इसको मैंने। विजय सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू सर। सबसे पहले तो सभी एटोमियंस को मेरी तरफ से गुड मोर अर्निंग। थैंक यू अरुण सर। और सर, आज का जो सेशन मनोज सर ने लिया, रियल बता रहा हूँ। हम लोगों ने आज 20-20 साल से हम जब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनमें मैंने पहला शख्स देखा है जो लगातार रनिंग और एक-एक शब्द पे, एक-एक शब्द इतने कीमती थे। अगर जिस लीडर ने एक-एक शब्द के ऊपर ध्यान दिया हो, तो मैं मानता हूं कि वो एटोमियंस के सभी एटोमियंस अपना जो लक्ष्य लिया है इंपीरियल मास्टर का, वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों, आज मनोज सर ने जो चीज कही, एक एक शब्द के ऊपर जोर दिया, और उस उन बातों को अगर आपने ग्रहण कर लिया, तो रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, आप मनोज सर जैसा आप खुद बन सकते हो। लेकिन चलने का इरादा होना चाहिए। इसी बात पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। थैंक यू विजय सर, बहुत शानदार। और विकास सर शायद कुछ बोलना चाहते हैं। विकास जी आप फिर म्यूट हो गया सर का लग रहा है। तो हम
नेक्स्ट चलते हैं, राहुल राजेश जी को बुला रहे हैं अब हम लोग। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके ओके, नमस्ते सर, सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राहुल राजेश है और हमारे जो ग्रेट अपलाइन विकास गौतम सर हैं, उन्हीं की गाइडलाइन में हम इस सिस्टम को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और साथ में हमें ढेर सारा नॉलेज दिलाने के लिए कुमार मनोज सर हैं। और मनोज सर, आपकी तो मीटिंग सर हमेशा ही बेस्ट एंड बेस्ट रहती है और उसी के लिए सर मैं आपके लिए कुछ लाइन कहना चाहता हूँ जो बड़ी मुश्किल से सर मुझे ढूंढने में मिली है। हर जगह ढूंढा लेकिन आपकी कोई लाइन मैच करे ऐसी मुझे लाइन मिली नहीं सर। तो लास्ट में फाइनली मुझे कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ बनाना पड़ा सर, और मैं सबके सामने पेश करना चाहूंगा। हो सकता है मनोज सर की पर्सनैलिटी को वैसे तो सूट नहीं करे क्योंकि पर्सनैलिटी मनोज सर की इतनी जबरदस्त है और इनका नॉलेज जिनका हम कंपेरिजन कर ही नहीं सकते, बट फिर भी सबके लबों पर एक दिन आपका ही नाम होगा। सबके लबों पर एक दिन आपका ही नाम होगा। हर कदम पे आपके दुनिया का सलाम होगा। सबके लबों पर एक दिन आपका नाम होगा। हर कदम पे आपके दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना आप डटकर देखना समय भी एक दिन आपका गुलाम होगा। इरशाद मनोज सर, थैंक यू। गजब सर, आपका मतलब सेशन सर रियल में बहुत ही लाजवाब रहता है हमेशा। और मैं सभी जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो हमारे साथी हैं और स्पेशल जो नए साथी हैं, मुझे डेफिनेटली उम्मीद है कि आज नए साथियों को नेटवर्क मार्केटिंग की एक्चुअल जो वैल्यू है और नेटवर्क मार्केटिंग के जो बेनिफिट्स हैं और एटॉमिक की क्या पावर है आज डेफिनेटली उनको पता लग गई होगी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो साथी अब अपनी रातों की नींद को त्याग के पूरा फोकस इसी पे करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मनोज सर वंस अगेन, वंडरफुल सेशन सर, वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अरुण जी एक बार भीष्म जी को बुला लीजिए सर। विषम सर है, नहीं लग रहा है विषम जी? बिल्कुल है सर, बिल्कुल सबसे नीचे है सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर विषम जी का। ये तो शुक्र उस समय कहाँ हो विषम जी? सब नीचे है सर, चौथे नंबर पे देखो नीचे से। हाँ आने का देखा दिया, कर दिया सर मैंने। विषम जी अनम्यूट कीजिए। पूनम मैम एंड विषम जी दोनों को अनम्यूट किया मैंने। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स, गुड इवनिंग अरुण सर, गुड इवनिंग विकास सर, और मैं पूनम चौहान बात कर रही हूँ दिल्ली से। रियली बहुत ही ऑसम सेशन था। भीष्म जी आई थिंक सो ड्राइव कर रहे हैं तो वो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके बिहाफ पे मैं बोल देती हूँ। मनोज, मैं तो यहाँ पर आज यही सोच रही थी कि ये अभी 4-5 दिन सारी मीटिंग को मिक्स करके मर्ज करके एक मीटिंग करने का जो डिसीजन था सभी लीडर्स का, वो इतना बेहतरीन डिसीजन साबित हो रहा है, क्योंकि शायद ये ना होता तो हम मनोज जी को कभी ना सुन पाते। मतलब भीष्म जी ने सुना है कई बार, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम आपको सुना है। एंड रियली बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, जो जो बातें आपने बताई और जो फ्लो था आपका, जो कॉन्फिडेंस था, जो नॉलेज आपने आज के सेशन में दी, रियली मतलब हैट्स ऑफ यू और बहुत ही बढ़िया। और भीष्म जी अगर बात कर सकते हैं तो जरूर करेंगे, लेकिन रियली मनोज जी मार्वेलस सेशन, थैंक यू सो मच। पूनम जी आपने मेरे को नहीं सुना, मगर डेफिनेटली मैंने आपको कई बार सुना है, तो मैं आपका और भीष्म जी का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं हमेशा कोशिश होती है कि आप लोग का कभी भी सेशन हो तो मैं जरूर उसको सुनूं। तो आई एम रियली बिग फैन पूनम जी एंड भीष्म जी। थैंक यू पूनम मैम। भीष्म जी जैसे ही आते हैं हम ऊपर से कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं, संजय कुमार जी को जल्दी जल्दी से करते हैं थोड़ा सा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। जी 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 सर, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिए और मैं सभी अपलाइन को नमस्कार, सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज हम सबके बीच फिर से मनोज सर को सुनने का मौका मिला। और मनोज सर आपके लिए तो कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, जैसे हमारे विकास सर बताया कि आप लोग आप ही ने इस मीटिंग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सबको मैक्सिमम लोगों को बोलने का सिखाया, जिसमें से मैं एक हूं। तो सर काने तरफ गए थे आपकी आवाज सुनने के लिए और आज आपने जो सुना है पूरे दिलो दिमाग में उतर गया सर। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जब भी आपके पास समय हो तो आप आया कीजिए सर,
और मनोज सर एक चीज मैं आपको आज पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल संजय जी बिल्कुल। सर हम तो इंतजार कर रहे थे आपको सुनने के लिए, सुन करके बहुत अच्छा फील किया सर, उसको बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। सर आपको आज कैसा फील हो रहा है? संजय जी एक बात बताओ, जिसके साथ संजय जी जैसे सारथी हो, है ना, संजय जी जैसे दूरदर्शिता हो, सर वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको हम कर ना सके और कह ना सके। आप संजय जी अपने आप में एक मिसाल हैं, जो 16 से 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद इस बिजनेस में पूरा टाइम देते हैं। आप अपना पूरा वर्क, घर का काम, खाना पीना खुद बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ऑफिस जाना, सारे काम आप करते हुए जिस पैशन से आप ये मीटिंग कर लेते हैं, सुनते हैं ना, और बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस को, संजय जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरी खुशी की इंतहा इसी में सर, यहाँ पर मीटिंग में सारे के सारे लोग सेल्स मास्टर क्वालिफाई करें जल्दी से जल्दी, बी क्विक, वही मेरी सर खुशी है और यही मेरी चाहत है। थैंक यू सर, थैंक यू, आप ऐसे आते रहे सर, और मैं कभी भी आपका नाम हमेशा लेता हूँ सर, आप हमारे लिए हमेशा के लिए अमर हैं सर, कोई डाउट नहीं है सर। थैंक यू संजय जी। नेक्स्ट परम मैम। हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सभी को। मनोज जी सर, पहली बार आपको सुना है, बस सीरियसली मैं शॉक्ड हूँ। मैं लिख रही थी पर अकाउंटली मैं स्टॉप हो गई और मैं तब से खड़ी हूँ, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। अमेजिंग, बैठ ही नहीं पा रही हूँ। और सबसे बड़ा सुनील जी सर को थैंक यू कि मैं लिख रही थी और मेरे से नॉर्मली, मैं अपनी फैमिली में सबको कहती हूँ और वो मुझे कहते हैं कि आप मल्टीटास्क, कि मैं एक समय में 3 से 4 काम कर सकती हूँ, पर मेरे से आज नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए और मैंने लिखना बंद कर दिया। और सुशील सर थैंक यू, आपने वो नोट्स भेजे, आई टुक द स्क्रीनशॉट, अब मैं उनको लिखूंगी। और सीरियसली सर अमेजिंग, बहुत मैंने अपनी लास्ट मीटिंग, मेरी पहली मीटिंग में मैंने यही सबसे कहा था कि अगर अच्छी नहीं लगी, किशन सर को पता है, पूनम मैम को पता है कि नहीं लगी तो वो बताना। और लास्ट वाली मीटिंग में मैंने यही कहा था कि एटमी मेरे लिए मेरा तीसरा बच्चा है, पर वो मैं कह रही थी, पर फ्रॉम टुडे उसमें जान आ गई है एंड मैंने उसे वैसे ही पाल पोस के बड़ा करना है जैसे मैं अपने 2 बच्चों को कह रही हूँ। बिल्कुल परम जी, तो एक चीज बताना चाहूंगा परम जी, आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड और फॉर हमारी सेल्फ इमेज, यानी अगर मैं गुरु नानक जी की भाषा में बात करूं तो शुक्राना। हाँ जी, अगर हमें शुक्राना करना आता है ना, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें नहीं मिलेगी। ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें ना मिले, अगर हमें शुक्राना करना आता हो, अगर हमें ग्रेटिट्यूड करना आता हो, अगर हमें उन चीजों के लिए आज अगर गॉड को थैंक बोलना आता है जो हमें भविष्य में चाहिए, तो डेफिनेटली एक दिन वो सारी चीजें हमारे चरण चूमेंगी, हमारी बाहों में होंगी। थैंक यू सो मच परम जी, थैंक यू। थैंक यू परम मैम, थैंक यू मनोज जी, बहुत शानदार बात कही आपने। मैं नेक्स्ट चलता हूँ रजा अंसारी जी के पास। अंसारी जी सुन पा रहे हैं आप? अंसारी जी प्लीज वेलकम। मैं बता दूं, रजा अंसारी जी मेरी इमीडिएट अपलाइन है। ओ ग्रेट सर, और कहां से ये को हिनूर लेकर आए थे सर? मेरी इमीडिएट अपलाइन है। जी जी बिल्कुल सर, आवाज आ रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं रजा अंसारी एमपी सिंगरौली से बिलोंग करता हूं और मैं बाय प्रोफेशन इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूं प्रेजेंट में। अरे वाह, ग्रेट सर, थैंक यू सर। और जॉब के साथ में जो है तो मैं इस बिजनेस को बड़ा दिल और दिमाग लगा के एकदम पूरा पेशेंस के साथ में मैं कर रहा हूं। इस बिजनेस में हमको लाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन राजेश सतनामी जी थे जो जबलपुर से बिलोंग करते हैं, और विकास गौतम सर हैं जिनकी छत्रछाया में हमने सीखा और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। और मनोज सर तो सर लव यू सर, लव यू ग्रेट सर, आई लव यू टू सर। सर कब मिल रहे हैं सर, बस आपके एक दर्शन मिल जाए मास्टर जी, बस मेरे तो अंसारी, सर कुछ आंसू निकल गए सर कसम से, इतनी सर अंसारी जी बाहें फैला के खड़े हैं सर, जब चाहे चले आओ सर। बिल्कुल सर, छुट्टी खत्म हो रही है सर, आपके यहाँ 100% मिलके ही जाऊंगा सर पंजाब।
बिल्कुल सर, पलके बिछा के आपका इंतजार करेंगे सर। क्या बात सर, आप तो रुलाएंगे क्या, रात में सोना भी है? नहीं सर, रुलाएंगे तो नहीं, मगर अपनी तस्वीर आपकी आंखों से नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सर, आप तो राज करेंगे सर। ग्रेट सर, ग्रेट, कुछ भी हमारे सब हमारे पास बोलने का शब्द नहीं सर, बहुत ही औसम सर, इमेजिंग। थैंक यू सो मच अंसारी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और मैं हमारे सबसे यंगेस्ट सरोजा मलिक जी को बुलाना चाहता हूँ। सरोजा सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। विशाल जी, मीना सर, मनोज सर, मनोज साहब को पहली बार सुन रहा हूँ, और मेरे ऑफलाइन अपना पूजा मित्तल, अंकिता अग्रवाल, आर एन शर्मा एंड अपना विषम सर, पूनम मैडम एंड यू ऑल, आई लव यू ऑल। मैं सरोज कुमार मलिक पूरी ओडिशा से बोल रहा हूँ, छोटा सा टाउन पड़ा निमापड़ा है, एंड ये बिजनेस को परसिस्टेंट कंसिस्टेंट कर रहा हूँ, एंड अभी तो आपका पहली बार सुना हूँ, बट इतना नॉलेज कहाँ से मिला, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? बहुत सुना है लेकिन इतना मैं सोच रहा था रिकॉर्डिंग करूंगा, शायद कोई रिकॉर्ड किया होगा तो मैंने किया सर। थैंक यू, मुझे बोलिए सर। आप लोग सब ग्रेट है, विकास सर वगैरह इतने बड़े बड़े लीडर है, मैं तो आपके सामने छोटा हूँ, नेटवर्क तो काफी साल से। हाँ सर। सरोजा सर, आपका आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग्स है कि जिस वजह से हम सर दो शब्द बोल लेते हैं और थोड़ी नॉलेज आ गई है आप लोग के सानिध्य में। हम यहाँ तीन लोग बैठे हैं, एक मिल्क प्लांट में काम करते हैं, ही इज वेरी एक्साइटेड आपका भाषण सुन के। भाषण मतलब एजुकेशन है, भाषण नहीं है, मैं डोंट फील दैट मैं बोल रहा हूँ भाषण, बट दिस इज एजुकेशन। और एक सर बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, परम मैडम लंदन, आई लव यू ऑल्सो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सरोजा सर, आपकी ब्लेसिंग सबके साथ है सर, थैंक यू, ग्रेट सर। और सरोजा सर के बाद में थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, हमारे दो एक और पर्सन है, हमारे एक और यंगेस्ट कुकरेजा सर। डॉक्टर जी, नमस्कार सर, नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार नमस्कार। और मनोज जी सैल्यूट है आपको, और सबसे ज्यादा सैल्यूट है आपके अपलायंस को, आपके स्पॉन्सर को सर। और आज मैं प्राउड करता हूँ इस बात को, अभी शाम को गौतम जी से बात हो रही थी, गौतम जी से, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा दिया जिससे माँ बाप प्राउड होता है अपनी औलाद को, तो जी। मैं समझता हूँ आज मेरा नाम रोशन हो रहा है, समझे, और आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं कह नहीं सकता कि क्या चीज है सर, जो करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे, आप सबसे पहले वीर सुनेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और कुकदेजा सर, थोड़ी सी वॉइस की आपको वो हो रही है, तो थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं हमारे एक और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एस कुमार। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मनोज जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके वॉलपेपर में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, डू नॉट बर्न योर अपॉर्चुनिटी फॉर टेम्पररी कंफर्ट। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है, कि बहुत सारे लोग अपने टेम्पररी कंफर्ट के लिए लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको खो देते हैं। अब देखिए अपॉर्चुनिटी को मैं जहां तक समझता हूं, ये मैं आपके वॉलपेपर को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि जितनी अच्छी आपने आज बातें करी हैं, वॉलपेपर भी आपका बहुत अच्छा है, तो जो अपॉर्चुनिटी आती है वो बिल्कुल उसी तरह से आती है लाइफ में, कि जैसे ये कहते हैं ना, लक्ष्मी जी कभी कभी आपके दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से, अपने रिजाई से निकल के बाहर दरवाजा नहीं खोलना चाहते। तो आप ये सोचिए कि अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो लक्ष्मी जी अंदर कैसे आएगी। हम अगर अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे को नॉक करने के बाद वापस चली जाएगी। तो मनोज जी ने जो आज चीजें बताई,
मैं समझता हूँ ये सारी चीजें, मैं ये भी एक एक्स्ट्रा लाइन बोलूंगा, ये सारी चीजें उन नेटवर्कर्स को ऑलरेडी पता होती है जो किसी भी नेटवर्क कंपनी में एक या दो साल निकाल चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मनोज जी ने जो ये बातें बोली है, इस बातों में कहीं ना कहीं उनकी आत्मा छुपी हुई है। और जब एक प्लान के साथ, एक बातों के साथ जब आत्मा छुप जाती है ना, देखिए कहने को बातें वही होती है। देखिए पैरासिटामोल सेम होता है, लेकिन आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो पैरासिटामोल आपको दे देता है और आप ठीक नहीं होते, और एक दूसरा डॉक्टर होता है आपको पैरासिटामोल देता है और साथ में एक लाइन बोल देता है कि आप इसको खाओ कल तक ठीक हो जाओगे, और सेकंड डॉक्टर जो कहता है कि तुम कल तक ठीक हो जाओगे सेम पैरासिटामोल से, वो ठीक हो जाता है। एग्जैक्टली मनोज जी के साथ आज कुछ ऐसी ही बातें थी कि बातें तो बड़ी कॉमन सी थी, लेकिन जो एक जुनून था, जो एक आत्मा उस लाइनों में रमी हुई थी, बड़ी सिंपल बातें थी, नेटवर्किंग में सबको पता होता है, लेकिन उसके बाद भी आपने कमेंट्स देखे लोगों के कि उसमें छुपा हुआ क्या था, छुपा हुआ था उस दोनों डॉक्टर में जो डिफरेंस था, वही मनोज जी के आज के प्लान में डिफरेंस था। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू अरुण सर। थैंक यू डॉक्टर कुमार, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शानदार। रोहित माली जी, मैंने आप अनम्यूट का पहले भी ऑप्शन दिया था, अनम्यूट कर सकते हैं आप। नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं रोहित माली जोधपुर राजस्थान से। मेरा अपलाइन है राम चौधरी सर, दौलत सर, विकास पाठक सर, और सभी इतने दिग्गज मिले मैंने आज तक अपनी लाइफ में। मैंने स्कूल टीचिंग भी करी, कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया कंप्यूटर, लेकिन आज तक ऐसे लीडर्स मैंने कभी कहीं नहीं देखे। और मनोज सर, आज आपकी जो गोल्डन वर्ड्स है, मतलब आपने पूरी एक नेटवर्क मार्केटिंग की, जो दीपक बजाज की बुक आती है, दीपक बजाज की बुक भी कुछ नहीं आपके वर्डिंग के सामने सर। और आपने एक स्पीड में इतना सब कुछ बताया है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और रियल लाइफ से रिलेट करते हुए, तो सर वास्तव में आज आपने प्रूफ कर दिया कि एटोमी जैसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए ही बना है और हम इसमें बड़ा करेंगे। और जो आपने बताया कि अपनी दुकान को एटोमिक के अंदर रिप्लेस करना है, तो बिल्कुल सर वही चल रहा है मेरे भी, मेरे जितने भी आज तक के जो कस्टमर है उनको मैं धीरे 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 प्रोडक्ट यूज करवा रहा हूँ, और एक टाइम ऐसा आएगा सर एटोमी होगी, मेरा अभी जो करंट बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर। तो थैंक यू सर। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सो मच रोहित जी, थैंक यू। समीर अंसारी जी अनम्यूट कर लें सर, और जल्दी से करेंगे, और हम लास्ट गया प्रसाद जी को ही लेंगे। समीर अंसारी जी, अनेकानंद जी को अनम्यूट कर देते हैं तब तक। अनेकानंद जी। यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अनेकानंद पांडे, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से प्राइवेट जॉब कर रहा हूं और पार्ट टाइम एटोमी सीख रहा हूं 2 महीना से। हमारे ग्रेट अपलाइन गिरिराज प्रसाद सर जी हैं, मनसा राम सर जी हैं, मनोज सर हैं, जो कि आज तो उन्होंने इतना जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस दिया कि सबको हिला के रख दिए बिल्कुल। कहते हैं ना कि जो लोग शांत बैठते हैं, तो मनोज सर अब तक शांत बैठे हुए थे, लेकिन आज उन्होंने ऐसा जो है तहलका मचा दिया कि जितने सोए थे सब जग गए। मनोज सर ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू करें उतना कम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर, आपके ही कदमों पर चलते हुए हमें भी सर कुछ कामयाबी मिल रही है और तरक्की कर रहा हूँ सर। ग्रेट सर, जरूर मिलेगी सर। नहीं करना जी, थैंक यू सर। और जया प्रसाद शर्मा जी, नमस्कार। समीर जी बस एक मिनट वेट कीजिए, फिर मैं गयानंद प्रसाद जी को बुलाया हमने, उसके बाद आपको बोलते हैं। ओके सर, ओके सर। सभी लीडर नमस्कार, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों को साथ मिला। वैसे मैंने तो नेटवर्किंग बहुत किया, पर जो प्यार, जो लगन यहाँ दिख रही है, जो संभावना यहाँ दिख रही है, शायद कहीं नहीं थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही, और मैं एकदम अनून होकर के सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीजों को। मुझे बहुत खुशी हो रही आप लोगों का साथ पाकर। थैंक यू गया सर, थैंक यू वेरी मच। समीर अंसारी जी, समीर जी,
समीर जी आप अनम्यूट, नीलेश मालवीय जी नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी जी। मैं पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम नीलेश मालवीय है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूं और मेरे ग्रेट अप्लायंस राजेश अतनामी जी हैं और विकास गौतम जी हैं और मैं मनोज जी को काफी लंबे समय से सुन रहा हूं और एक सर ने कहा था कि उन्होंने आज उन्हें गुरु माना है, मैं तो उन्हें 6 महीने पहले ही गुरु मान चुका हूं और मैं उनके लिए ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं उनके लिए ज्यादा बोलूं। इसमें कोई शक नहीं कि मनोज जी, जो व्यक्ति मनोज जी की छत्र छाया में आ गया उसका उसकी नैया पार होना एकदम तय है। तो मेरे जितने भी नए साथी हैं मैं उन सबको यही सलाह दूंगा कि मनोज जी की उंगली पकड़ लें, डेफिनेटली आपकी नैया पार हो जाएगी। और मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से आज हम लोग को फिर से एक बार गाइड किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीलेश जी, आप आए और आपने मेरी हौसला अफजाई करी, मीटिंग को इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच नीलेश जी, थैंक यू। मैं विकास गौतम जी को एक बार फिर बुलाता हूँ ताकि फिर हम लोग इस मीटिंग पे चलें लास्ट नोट पे। विकास सर अगर आप हैं, विकास गौतम जी सर। यस सर, अरुण जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही सर। ओके अरुण जी, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा और कहीं ना कहीं देखिए लोगों की भावनाएं, लोगों की सोच आज काफी हद तक चेंज हो गई सर। जिन साथियों के समझ में कुछ शायद कुछ बाकी था वो आज मनोज जी ने पूरा कर दिया सर। रियली सर ग्रेट सर मनोज सर, और मैं चाहता हूँ कि सर आप कोशिश करके महीने में 3-4 सेशन तो लीजिए आप प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 महीने से आपकी लोगों ने आवाज नहीं सुनी और लोग आपके फैन है सर, चाहने वाले सर बहुत हैं, उनमें से एक हम भी हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब तो सभी हैं सर, अब तो सभी हैं विकास जी जी। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, और अब जितने भी लोग होंगे ना एटमी के वो सारे होंगे, मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करूंगा, मैंने ये रिकॉर्ड किया है सेशन और मैं इसको वायरल भी करूंगा और सबसे करवाऊंगा भी। आप देखिएगा मनोज जी को हर एटमी का मेंबर नहीं सर, हर नेटवर्क मार्केटिंग का मेंबर जानेगा। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू अरुण सर। अरुण सर दिल की बात थी, आज आपने मेरे अंतरात्मा का भाव जो था ना, रियली मनोज जी हैं गवाह हैं, साक्षी हैं कि जो बातें आज हो रही ना, ये बातें कई बार मैं मनोज जी को बोलता था ऐसी बात सर, आत्मा से एक एक शब्द कहते ना, आत्मा से निकला हुआ कोई चीज सर वो पूरा होता है। दिल से अगर हम कुछ चीज को चाहेंगे ना सर, परमात्मा देता है सर, और ये चीज दिल से चाहिए सर, हम सब लोगों ने चाहा सर, क्योंकि जो मनोज जी, मनोज जी ने सर, मैं आपको बताऊं, मैंने भी 10-12 साल नेटवर्क मार्केटिंग को किया है, अरुण जी आप तो पहले से भी जानते हैं, मनोज जी में जो सेवा का भाव देखा ना सर, सेवा का भाव जो इन्होंने अपनी क्रॉस लाइनों को जाकर सिखाया है सर, बहुत बड़ी बात है। वो नेचर है क्रॉस लाइन का, बिल्कुल बिल्कुल सर, सर का जो नेचर है ना, भाव जो आपने क्रॉस लाइन को जाकर सिखाया है सर मनोज जी से। और एक और चीज अरुण जी मैं बताऊं, एक पेस मीटिंग संडे के दिन, एक पेस मीटिंग जो है, मैं चाहता हूं मनोज जी नेक्स्ट टाइम जब भी आप बोले एक पेस मीटिंग, उसमें अरुण जी, विकास गौतम, राहुल राजेश, भीषम चौहान, राम चौधरी जी, डॉक्टर एस कुमार जी, हम सभी लोग एक साथ एक मंच पर एक साथ कम से कम 10-12 लीटर सर, संडे हो जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत बड़ा काम हो सकता है सर अरुण जी। और आपने आज इसको रिकॉर्डिंग कर लिया सर अरुण जी, थैंक यू सो मच अरुण जी, और सबका साथ सबका विकास, हम सब लोगों को एक होके चलना है। और जो भी साथी देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से साथी के साथ कमजोर पड़ जाते कहीं ना कहीं आगे चल के, हमें जो साथी कमजोर पड़ जाए ना सर, उस साथी का हाथ पकड़ के खींच के लाना है, हर साथी की जिम्मेवारी, हर साथी के परिवार की जिम्मेवारी हमारी है, हम सब की सर। अरुण जी जो भी साथी, राइट लेफ्ट डेफ्ट कहीं भी हो जी, राइट लेफ्ट डेफ्ट कहीं भी हो, अपने ग्रुप में, अपने एटॉमी में जो भी साथी हो, मैं सभी साथियों को बोलना चाहता हूँ, देखिए लोगों के पास सूचना है लेकिन राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, आप 1-2 बार 3 बार दिल से बात तो कीजिए, गारंटी है वो भी हमारी तरह बिजनेस करेंगे, गारंटी है सर। इसलिए सभी साथियों को निकालना हमारा संकल्प है,
कि हम सभी साथियों को निकाले, उसमें सुशील जी और हमारे टॉप। देखिए मैं अगर अपनी जिंदगी के कैरियर के अगर पांच स्पीकर की मैं बात करूं, मैंने अपनी लाइफ में मनोज जी, सुशील जी, बिशन चौहान, अरुण मीना जी, आप लोगों से बड़े स्पीकर मुझे नहीं लगता कि शायद कोई होंगे सर। मेरे हिसाब से आप लोगों से स्पीकर बड़े कोई नहीं होंगे सर, ऐसा मेरा मानना है। रियली बता रहा हूँ सर, मैंने कहा लिया बता, आपने बाकी तो ठीक लिए सर। बताओ ये आपका क्या है, देखिए मैं बताऊ, आप बहुत कम बोलते हो लेकिन जब भी बोलते हो अध्याय का पन्ना खोलते हो, ठीक है। मैं शोर बहुत करता हूँ, काम करता हूँ, मैं शोर करता हूँ, सीधी बात, मेरा काम है सिर्फ जागते रहो, मैं घर वाला काम करता हूँ, जागते रहो बस, मेरा काम है जगाना, सोने नहीं दूंगा सर, बाकी पढ़ाना अच्छा, लिखाना वो काम है सुशील जी का, मनोज जी का। सर एक जना डंडे के साथ भी तो चाहिए ना, मीना सर के पास एक डंडा है, काम कर दूंगा, ढोल पीटने वाला काम कर दूंगा। हाँ तो बहुत शानदार, मेरा तो मतलब मेरा सफल होना तो निश्चित है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ऊपर भी विकास और मेरे नीचे भी विकास, विकास ही विकास है मेरे साथ। अच्छा सुशील जी को बुला लीजिए एक बार, सुशील जी आपसे मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, मेरा मन जो है आपसे भरा नहीं है सर, मैं बात करना चाहता हूँ। सुशील जी क्या आप जानते हैं मनोज जी को गाना बहुत जोर का आता है, गाना गाते हैं बहुत जोर का, सुनेंगे आप सर? एक हो जाए सर, हो जाए, चलिए अभी एक दो साथी को बुलाते हैं। जी जी देखिए विजय कुमार सिसोदिया जी प्लीज आप भी एक बार एड्रेस कीजिए। अब मैं अनम्यूट करता हूं, कर दीजिए सर, मैं चाहता हूं बिल्कुल गाने के साथ, और मैं चाहता हूं मनोज सर आज देखो, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिस दिन 11 नवंबर को कंपनी लॉन्च हुई थी ना, 11 नवंबर को कंपनी जो लॉन्च हुई थी उस समय मेरा एक्साइटमेंट पूरा था, आज बहुत दिन के बाद आप आए हो सर, मैं बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता कि हम सबको बहुत खुशी सर। मैं सुबह से इंतजार कर रहा था रात, और परमात्मा ने देखिए मेरा नेटवर्क ने इतना साथ दिया आज, अगर वो लगातार मेरे साथ बना हुआ है। हाँ, ये पहली बार हुआ। सही है क्या सर, आपका नेटवर्क काम कर रहा है बहुत बढ़िया सर। मैं सुशील जी रियली मैं हैरान हूँ, मैंने मेरे भाई को बोला कि नेटवर्क ऐसा क्यों, क्योंकि दिल से चाह रहा था कि आज मेरा नेटवर्क साथ दे जाए, और भाई आज मेरे पे तीन पीढ़ियों पे एहसान कर दिया। बिल्कुल मनोज सर, हाँ मतलब कि ये परिवार है सर, ये छोटा सा बड़ा सा परिवार है, प्यारा सा परिवार है, लोगों को सर ऐसे लोगों की तलाश है जो हाथ पकड़ कर लेके चले सर, हमें वो बनना है, हमें लोगों का भरोसा टूट गया, लोगों का भरोसा बनना है सर, लोगों को सर सही बता रहा हूं मैं आपको, लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है, लोगों को सही रास्ते का नहीं पता है सर, जो लोग नहीं देख पाते सुशील जी वो आपको दिखाना है सर, मनोज जी को दिखाना है सर। आप लोग इस डायरेक्ट सेलिंग के, इस एटॉमी के आने वाले आप गुरु हो, आप गुरुओं के सानिध्य में लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा सर, लाखों करोड़ों की बात कर रहा हूं मैं सर, हमें आपकी आवश्यकता है, हमें इस जंग को जीतना है, हमें हमारे साथियों को कामयाब करना है, हमें हमारे साथियों को पैसिव इनकम पे लेके आना है, हमें उनको याद दिलाना है कि उनकी कीमत क्या है, उनकी कीमत क्या है, वो हीरे हैं, वो कोहिनूर हैं, लेकिन कोहिनूर की जो कोहिनूर के बारे में तो सिर्फ एक जौहरी बता सकता है सर, और वो जौहरी मनोज जी और सुशील जी, विनोद आपसे बड़ा जौहरी कोई नहीं हो सकता सर, बहुत कुछ सीखना है सर, हम झोली फैला के खड़े हैं, आप हमें सिखाइए, आप हमें बताइए, हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, हर हाल में कामयाब होना चाहते हैं, हर हाल में और हर काल में। जी हाँ, सही मैं आपको बताऊं, जिंदगी ने, मैं अपने बारे में बताने चाह रहा हूँ सर, जिंदगी ने मौका दोबारा दिया सर, इस जिंदगी ने मौका दिया, इस एटॉमी ने मौका दिया, और मैं सच बता रहा हूँ सर, आज सपने साकार हो रहे हैं, लाइफ चेंज हो रही है सर, मेरी नहीं बहुत से लोगों की चेंज हो रही है सर, जो लोग बात नहीं कर पाते थे सर आज वो मीटिंग ले रहे हैं सर, इतना बदलाव आ गया सर। और मैं चाहता हूँ मनोज जी एक बार आप अपने गाने के साथ, सुशील जी प्लीज आप कहिए, आपकी भी ज्यादा मानेंगे, अरुण जी है सर प्लीज, मनोज सर एकदम है सर, आप तो जाने नहीं देंगे सर, मनोज जी आप जाने नहीं देंगे, विकास जी आप ना किसी को भी कहीं भी फंसा सकते हो। हाँ बिल्कुल शुरू से ऐसे हैं ये। चलो सर एक बात कहेंगे, कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं ना, तो हमने तो सर अपने फादर से यही सीखा था, जब तक ये जिंदगी है ना इसको जिंदा दिली से जीना है,
और कभी भूल कर भी किसी का गलत नहीं करना है, भूल के भी। बहुत शानदार, जाने अनजाने भी कभी किसी के पेट पे लात न पड़ जाए कभी भी, क्योंकि सर अगर अगर किसी के साथ गलत हो गया तो सर दोबारा भुगतने के लिए आना पड़ेगा, आना पड़ेगा दोबारा भुगतने के लिए। खैर चलिए सर, गौतम जी आपने बोला है तो डेफिनेटली सर आपकी बातें सर माथे पर खाली नहीं जाने देंगे। सर थोड़ा सा मुखड़ा आता है मुझे खाली, पूरा गाना नहीं आता। कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे। सुशील जी आ गए, अरुण जी आ गए, हम साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम सही बात। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर साथ लगाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ लगाना, साथी हाथ बढ़ाना। सर मेरे को सिर्फ मुखड़ा ही आता है सर। सर एक लाइन मैं भी गा दूं, मेरे भी मन में आ गया। अरे सर इरशाद, दिल करता है रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह पे कहीं पे नहीं, जो बात इस जगह पे कहीं पे नहीं। बहुत बढ़िया गौतम जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच मनोज जी, आप आए बाहर आई और आज सभी लोगों के चेहरे खिल गए सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और बस आप लोग ऐसे हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, यही जीवन है, हंसेंगे और हंसाएंगे सर। विकास सर, हम लास्ट, गौतम सर लास्ट में एक लाइन कहना था मुझे। मैं भी सर करीब 17 साल से इस नेटवर्क बिजनेस में हूँ, कहीं सफल कहीं ज्यादा सफल कहीं ज्यादा फेल बहुत हुआ हूँ सर। अब तक तो अपलाइन डाउनलाइन समझ में आता था, लेकिन सच में सर ये दिल से मैं बता रहा हूँ, मेरे हाथ में अन्न है कि एटोमी में ना फैमिली फीलिंग आती है, अपलाइन डाउनलाइन नहीं आती है सर, फैमिली फीलिंग सर। कोई किसी को देखा तक नहीं है इसमें 90% लोग, लेकिन लगता है कि नहीं वो मेरे घर के मेंबर है, इस टाइप का फीलिंग आता है। सुशील जी सिर्फ एक वर्ड, अनकंडीशनल लव। ओनली वन वर्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग फॉर सक्सेस इज अनकंडीशनल लव। एक्चुअली बिल्कुल सर, नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस का मंत्र है ये सर। आईवी पटेल जी को हम एक बार बस ले लेते हैं लास्ट, बहुत बार हम लोग लास्ट। आईवी पटेल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, बिंदास बिंदास। बोलने से ज्यादा तो मैं सुन रहा था, आज तो इतना मजा आ रहा है। जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, डाउन लाइन हो, अप लाइन हो, वो सब मैटर नहीं रखता। अभी जो आप लोगों ने बताया एक फैमिली फीलिंग हो रही है, सच में डाउन लाइन और अप लाइन का तो फीलिंग छोड़ दें, हम लोग यदि रिलेशन पे काम करें तो सभी लोग बहुत अच्छा करें। मैं काफी मतलब इंटर तो मैं हो जाता हूँ, मीटिंग स्टार्ट होते ही अभी तक वेट कर रहा हूँ, और मैंने एक बार हैंड लो भी कर लिया था लेकिन फिर बढ़ा नहीं गया। मैं सोचा चलो हैंड रेज फिर से कर देते हैं। सबसे पहले तो कुमार मनोज जी को थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड आल्सो लव यू। आई आल्सो लव यू सर, आई लव यू टू। और मैं सर एक चीज ना, अरुण जी, विकास, गौतम जी और मनोज जी, सुशील जी, जिनको मैं सुन चुका हूँ, भीष्म चौहान जी तो अभी ऑन द वे हैं, पूनम जी और जो भी मेरे नियर डियर जानने वाले नहीं जानने वाले जितने भी 80 लोग अभी तक है ना पार्टिसिपेंट, अभी तक स्टिल 8:30 बजे ये सेशन शुरू हुआ था और अभी 10:45 बज रहा है, 200+ लोग हम लोग थे, अभी 80 लोग जो अभी तक अवेलेबल है। मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है जो 200 लोग बिजनेस में थे, लेकिन ये जो 80 लोग हैं ना वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने डाउनलाइन को लेके, अपने एसोसिएट पार्टनर को लेके। क्योंकि अब मुझे एक बात की ताजुब है, पता है क्यों मैं अरुण सर ये हैंड रेज करके रखा था, मुझे बोलना था आज, मन में मेरी बातें आ रही थी जो मुझसे रुका नहीं जा रहा था। ये बात ना जितने 80 लोग हैं और जो लोग छोड़ के चले गए ना उनके लिए है एक्चुअली, वो सुने ना सुने लेकिन जितने भी लोग हैं ना वो मेरा जो मन का भावना है उन तक पहुंचा दीजिएगा। और मेरा 11 साल का बेटा है तो वो एक शेर जो अभी शेरो शायरी हम लोगों का चल रहा था, बहुत एंटरटेनमेंट भरा ये बिजनेस स्पीच था मनोज जी का, तो उसमें कुछ शेरो शायरी हुई, बहुत अच्छा लग रहा था, ये दिल को सुकून देता है।
तो मेरा बेटा कहता है, 11 साल का मेरा बेटा है, बोलता है पापा आपको जब मौका लगेगा कि अरुण जी ऑफर दे तो बोलना जरूर। तो बोलता है कि पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं और पसीनों से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। तो ये मेरे बेटे का, मेरे बेटे का स्पीच है, 11 साल का है। तो बोलता है कि पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं और पसीना से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। और मैं जो अरुण जी कहना चाह रहा था ना, मैं बोलूंगा जरूर, बस एक 30 सेकंड लूंगा। विकास पाठक जी, कुमार, मनोज जी, सुशील जी और अरुण जी, जितने भी सीनियर हमारे लीडर्स हैं और इस बिजनेस में, डॉक्टर एस कुमार साहब जी, मैं भूल जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा किसी किन्हीं का नाम, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा ये जो 80-82 लोग है ना, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। ये जो महान लोग जो बिजनेस को छोड़ के अभी पार्टिसिपेंट जूम मीटिंग को छोड़ के जो सोने गए हैं ना, या खाने के लिए गए हैं, या अनुपमा देखने गए होंगे, या बिग बॉस देखने होंगे ना, ये महान लोग, ठीक है। देखो 15 साल मैंने नौकरी किया हूं तो कुछ बोल दूंगा नौकरी के बारे में, तो कोई सांप्रदायिक दंगे होने वाले नहीं है। उसके बाद मैं नौकरी को उसके बाद विकास जी मुझे सुनिए एक मिनट, उसके बाद मैं 15 साल बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार कब तक गुलामी करता रहूंगा। तो 50,000 मेरी सैलरी थी, मैं रिजाइन कर दिया, 50,000 तनख्वाह पे मैं रिजाइन किया कंपनी को। उसके बाद मैं 5-7 साल से अपना सेल्फ एम्प्लॉयड का वही क्षेत्र का काम कर रहा हूँ, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ और नौकरी भी कर चुका। तो दोनों काम में कुछ भी बोलूंगा तो कोई सांप्रदायिक दंगे होने वाले नहीं है। ये जो महान लोग 120 लोग छोड़ के कल के तैयारी के लिए, तो खाना पीना खा के सो जाएंगे, अनुपमा या बिग बॉस, एक बॉस देखेंगे जो भी देखना होगा, और जाके जो मालिक के फैक्ट्री में काम करने के लिए जाएंगे, उनके पास ये 60 मिनट और नहीं था क्या? मुझे ये बहुत ताज्जुब होता है, ये 60 मिनट यदि और रुक जाते ये, तो क्या उनकी जो कल फैक्ट्री में रजिस्ट्री होने वाली है इनके नाम से, वो फैक्ट्री मालिक करने वाले हैं, क्या वो नहीं होता? दूसरी बात, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है मेरे तरह जाके अपने धंधे पानी पे जाएंगे, ठीक है, वो यदि 60 मिनट लेट चले जाएंगे तो क्या हो जाता? मुझे बहुत ही ताज्जुब हो रहा है कि इतने सुंदर, इतने अच्छे स्पीकर को सुनने के बाद सोने की जल्दी, या अनुपमा, अनुपमा जिस घर में रहती है ना, बिग बॉस जिस घर में रहता है ना, वो 6 पुश्त भी वो घर नहीं बना पाएगा, बिग बॉस का जो डेकोरिज्म है, लोग पता नहीं किस लिए भाग रहे हैं दुनिया में। और ये 60 मिनट, ये लास्ट वर्ड है शर्मेला, बुरा लगे किसी को तो लग जाए, क्योंकि जब तक बम नहीं फूटा था ना संसद भवन में, भगत सिंह ने जब तक बम नहीं फोड़ा था तब तक अंग्रेजों के कानों में सुनाई नहीं दिया था कि आजादी भी लेने वाले लोग तैयार हो गए, ठीक है। इसी तरह से मैं आज बोल रहा हूँ, ये 60 मिनट यदि आपके पास मीटिंग देखकर सीखने के लिए नहीं है, 60 साल तक नौकरी में अपने छोटे मोटे काम के लिए परेशान रहना पसंद है क्या? लास्ट लाइन, 60 मिनट आपके 60 दिन और 60 महीना आपके 60 साल को बचा सकते हैं, और 60 लाख रुपए साल के कमाने का मौका भी दे सकते हैं। इस 60 मिनट को याद रखिए, 8:30 से 10:30 बजे जो मीटिंग हो रहा है, हर एक लीडर को सुनिए, अनुसरण कीजिए, और जो लोग छोड़ के गए हैं ना, स्पेशली फोन करके सर ये स्पीच बोलना, मेरा सभी लोगों से आग्रह है, क्योंकि महान काम करने के लिए सुबह में नहीं जाएंगे आप, सुबह 8 बजे 9 बजे उठ के ऐसे लोगों का शकल देखने जाएंगे जिसका शकल देखना भी पसंद नहीं है, 15 साल झेला हूं मैं। थैंक यू वेरी मच, बुरा लगे तो लग जाए आप लोगों, थैंक यू सर। पटेल जी, बाबा नहीं लगेगा, पटेल जी, यस सर, यस सर। पटेल जी एक बात बताऊं, यहाँ जो 80-82 लोग है ना सर, इनको 6 करोड़ रुपए की अहमियत का पता है जो गिफ्टेड मिलने वाले हैं टॉमी से। इन 80-82 लोगों को गारंटीड वो 6 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड एटॉमी की तरफ से मिल गया। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सर कुछ चीजें ऐसी है सर वो कहीं नहीं जाती है, हो जाती है, और कुछ चीजें ऐसी है जो करी नहीं जाती वो हो जाती है, है ना। बहुत अच्छा लगा पटेल जी आपको सुन के, और थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आप जैसे महान लोग आके इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम लोगों को और ज्ञान देते हैं, और कुछ ज्ञान हम लोग अर्न करते हैं, सीखते हैं आप लोगों जैसे लोगों से। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। और मैं लास्ट नोट जिसको कहते हैं मनोज जी को ही कहता हूँ, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। दो सवारी और आ गई, दो सवारी और आ गई, ऑलरेडी नहीं, दो सवारी वो पहले वाली आ गई, सर पहले वाली है दोनों, नहीं पहले वाली नहीं, सवारी थी कभी आई थी, नहीं नहीं पहले वाली है, ये ऑलरेडी बात हो चुकी है सर दोनों लोगों से। अरुण जी, अरुण जी कुछ बोलना चाहते तो ले लीजिए, एक दो लाइन बोल देंगे, उनका भी दिल की बात हो जाएगा। नहीं वो पहले वाले हैं सर, अच्छा दोबारा किए, अच्छा दोबारा बोलना चाह रहे हैं, दोबारा बोलना चाह रहे होंगे, देते इनको मौका एक और, बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए चलिए जिसको बोलना है आज बोल सकते हैं, तो आज की रात मनोज जी के नाम, जैसन जी जी
संजय जी अंदर कीजिए। थैंक यू सर, आपने हमको दोबारा मौका दिए और आज आप लोगों को लास्ट में बात सुन करके बहुत मजा आ गया सर। अभी अभी पटेल सर कुछ बात बोले जो कि बहुत ही 100% सत्य बोले सर, उनके बातों से मैं पूर्ण सहमत हूँ। और मनोज सर एक चीज थोड़ा सा आप लोग हमें बताइएगा, जो हमारे दिल दिमाग में ये बात घूम गई, आप सर बताएं कि भूल से भी हमसे किसी से गलती ना हो, किसी के लिए हमसे गलत ना हो जाए। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप एक आदमी को स्पॉन्सर किए, उसके दोनों लेग चालू किए, 200 आदमी की टीम भी कर दिए और उस आदमी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीजिए अपना आधार कार्ड, मैं आपकी आईडी वेरीफाइड कर दूं, फिर भी वो बंदा नहीं दे रहा है। और नहीं तो लोगों को जिसके पास मैं जा रहा हूँ बात करने के, आप जा रहे हैं बात करने के लिए, उनको भी भड़का रहा है वैसे लोगों के साथ। संजय जी, संजय जी सुनो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भूल से भी भूल नहीं करना। आपने भूल से भूल ये कर दी कि आपने उस आदमी की दोनों लेग चला दी जी। सर ये सबसे बड़ी भूल करी है सर, किसी आदमी की मदद, देखो मैं आपको कहता हूँ, कोई आदमी अगर केपेबल है और अगर आप उसको पैसे से मदद कर रहे हैं तो आप उसको हैंडीकैप बना रहे हैं। आप समझ लीजिए मेरी बात को, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैं करके देख चुका हूं और नतीजा ये मिलता है कि बाद में गाली मिलती है ना। अगर आप किसी की पैसे से मदद कर रहे हैं, आप उसको हैंडीकैप कर रहे हैं, अगर आप किसी की दोनों लेग चला रहे हैं तो आप उसको इस बिजनेस से आउट कर रहे हैं जी। बिल्कुल सर, कभी भी किसी की, कभी भी किसी की दो डायरेक्ट लेग नहीं लगाना कभी भी जी। बाकी सर कहीं ना कहीं समझदार है, मतलब ये था कि सर ये अगर कोई उस तरह का पात्र हो तो उनको हम मदद करें या उनको आगे बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करें, अगर उस तरह का पात्र न हो तो उनको एक कहावत है कि दूसरे के साथ दूसरता का व्यवहार करने में कोई दोष नहीं होता। संजय जी, जो इस तरीके का पात्र नहीं होगा वो अपनी दूसरी लेग खुद चला लेगा। बिल्कुल, आपने उनको वो चीजें दी जो उनको जरूरत ही नहीं है, उनको आपने बैसाखी की तरह वो दे दिया है। तो ये मुझे भी लगता है किसी भी पर्सन को जी सर, कहीं ना कहीं मनोज सर हमको दो शब्द बोलने के लिए सिखाए तो उसका मैं आज भी आभार प्रकट करता हूँ। और जिन लोगों को बाई मिस्टेक चाहे कैसे भी अगर दोनों लेग चालू हो गया है तो उस आदमी को क्या समझना चाहिए सर, तो समझने कहीं ना कहीं उनको आज भी सपोर्ट किया जा रहा है, वो आदमी अपने भी नहीं काम कर रहे हैं, दूसरे को भी नहीं करने दे रहे हैं। तो एक दुष्ट विचार के ऊपर हमने ये बात रखा सर कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जिनको मदद करने के बजाय दो थप्पड़ लगा करके उसको आउट कर देना है, ठीक है। नहीं संजय जी, सिंपल सा वर्ड है, जस्ट इग्नोर हिम। इग्नोर, सिंपल सा वर्ड, जस्ट इग्नोर हिम। इनको इग्नोर कर दो सर, उनको मैसेज डालना भी बंद कर दो। जी सर, जी सर, ग्रुप से अगर आपने कोई ग्रुप बनाया है तो वहां से लेफ्ट कर दो, इग्नोर करो ताकि चीजें आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू संजय जी। सवारी अपने सामान की खुद जुम्मेवार है। हां सर बिल्कुल, सवारी अपने सामान की खुद जुम्मेवार है, ये ध्यान रखना इस बात का। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनीषा जी को ले लेते हैं हम लोग, लेकिन आज मजा आ गया, मजा आ गया आज मनीषा जी को, मजा आ गया। मनीषा जी जी, मैम हेलो, मैं महाराष्ट्र से मनीषा हिरे बोल रही हूँ। जी मैम, अरुण चौहान सर के टीम से हूँ। जी मैम, सबसे पहले तो मुझे हिंदी बोलने का प्रॉब्लम है, ज्यादा बोलने नहीं आता, फिर भी कोशिश करती हूँ। आज मनोज सर की बात को बहुत छू ली दिल को। तो सर मैं हर सेक्शन को अटेंड करती हूँ सुबह का रात का, और काम भी अच्छे से कर देती हूँ सर मैं, बस इतना ही बता। बिल्कुल मैम, मैम का डेडिकेशन बहुत अच्छा है, मैम बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम भी कर रही हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। डेफिनेटली मनीषा जी, आप रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे, है ना, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। आया है रिजल्ट, आया जी जी। थैंक यू मैम। गया प्रसाद जी, थैंक यू सर दोबारा चांस देने के लिए। एक्चुअली मैं अभी तक तो मैं चुपचाप सुन रहा था, सीख रहा था, क्योंकि आप सभी लोग सीनियर हैं और मैं समझता हूँ कि मैं जितना ही सीख लूंगा वो मेरे काम आएगा। और अभी लास्ट में मनोज सर ने जो बात बोली कि जितने 82 लोग हैं
और ये एक दिन 6 करोड़ निश्चित ही पाएंगे, निश्चित लेकर जाएंगे। इसको मैं एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मानकर ग्रहण कर लीजिए सर, उसको ले लीजिए सर। हाँ मिल रहा है सर जी, ले लीजिए। आज मनोज जी की तरफ से, आज मनोज बाबा आया है, मनोज बाबा कोशिश होगी कि आपकी। जी सर आज मनोज बाबा आए हैं। जी सर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने वादे पे खरा उतरूं और मनोज सर का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बना रहे। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। सुशील जी प्लीज वेलकम। सर संजय जी की के सवाल पे सर जो कुछ बोला था सर। जी जी कि संजय जी हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग सबको कन्विंस कर लेंगे। पहली बात ये गलत फहमी है बहुत बड़ी जमा हम लोग की कि सभी से बात करेंगे। आप भले हर आदमी पे आप आधा घंटा एक घंटा पर बात कीजिए उसको प्लान समझाने में, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उतना ही एक्टिव रहे जितना हम लोग सोच रहे हैं। इसीलिए अभी मनुष्य एक लाइन बहुत अच्छा बोले थे, सुने होंगे सेशन में, उसका एग्जांपल हम दे रहे उस लाइन का कि हम लोग ना विराट कोहली ढूंढते हैं कि जो सेंचुरी पे सेंचुरी मारेगा, ये भूल जाते हैं कि कभी कभी टेस्ट मैच में हरभजन भी सेंचुरी मार देता है। इसलिए आपका हर मेंबर किस दिन सेंचुरी मार देगा आप नहीं जानते। और दूसरी बात जितना तक हेल्प किए, एक तो खैर आप समझिए कि दो लेग कभी नहीं खोलना चाहिए, एक लेग खोल के इतना बड़ा लंगड़ा बना दीजिए कि खुद अगला पैर बैलेंस करे वो, कि वास्तव में इतना चीज हो चुका। मीना सर का बात हमको हमेशा याद रहता है कि मीना सर खुद कहते हैं और हर प्लेटफॉर्म पे बोले हुए प्राउडली बोले हुए कि मीना सर तब तक सीरियस नहीं हुए थे जब तक उनका टीम में 2000 लोग नहीं थे एक लेग। और सर जब को बताया गया सर को कि आपके टीम में 2000 हैं तो सर बोले 2000 सर रिपीट होके पूछे थे। तो जिसको करना होगा ना वो एक लेग देंगे आप उसी पे वो टीम खड़ा कर देगा, और जिससे नहीं होना है जिसे किस्मत में लक्ष्मी है ही नहीं है आप उसके 10 लेग भी खोल देंगे ना एमए की तरह 9 लेग तभी कुछ नहीं होना है। इसलिए ऐसे लोग के लिए बहुत अच्छा वर्ड बोले हैं जस्ट इग्नोर, और जिस दिन समय उसको इग्नोर कर दिया वो आपके पास लौट के आएगा कि संजय जी उस दिन आप क्या बोल रहे थे। तो कुछ लोग आपके साथ चलेंगे और कुछ लोग आधे रास्ते में मिलेंगे और कुछ लोग पीछे से दौड़ते हुए आएंगे आपके पास। आप अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखिए मंजिल की तरफ, छोड़ दीजिए वो दौड़ के आएगा एक दिन आपके पास कि उस दिन क्या बोल रहे थे। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। रविंदर कुमार जी इसके बाद फाइनल। बिल्कुल सर, लास्ट सर। रविंद्र कुमार जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो। नहीं 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 ओके। हेलो हेलो जी रविंद्र जी, गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी, मैं रविंद्र कुमार नथुपुरा बुराड़ी से जी। और मेरे ग्रेट सीनियर अपलाइन डॉक्टर एस कुमार और भीषम सर, और मेरा ये कहना था सर जो भी मनोज जी ने जितना भी ये सिस्टम के अंदर जो चीज डाली है इनसे मैं फायर हो गया हूँ। बहुत जबरदस्त चीजें डाली हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है नए बंदों के लिए, और काफी समय से मैं लगभग नेटवर्किंग के अंदर 21 साल से हूँ, आज तक इस सिस्टम के अंदर मैंने ये चीजें नहीं देखी जो आज मैं एटोमी के अंदर देख रहा हूँ। पीछे से मैं मोदी के छोड़ कर आया हूँ, लगभग 25,000 का पे आउट था मेरा, उसको इस सिस्टम को देखने के बाद एट ए टाइम मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया वहां पे और मुड़कर आज तक नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे जो मैं सीख रहा हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा काम कर जाएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर का शायद वो हो गया, तो विकास जी हम फिर एंड नोट पे चलें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अब टाइम हो गया है, बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए।
तो हम चाहते हैं गेयर भी जिसको कहते हैं, स्टार्ट भी जिसको कहते हैं मनोज जी ने किया था, स्पीड भी मनोज जी ने ही जिसको कहते हैं पहुंचाई थी, तो मंजिल पे भी मनोज जी पहुंचाएंगे। मनोज जी पहुंचाओ प्रभु। अब सुनो, अगर अरुण जी लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे लोग, अभी भी बंद करना पड़ेगा। मैं तो पहले भी कह रहा था मनोज जी, मेरा तो पहले भी यही कहना था मनोज जी बोलते रहिए, मेरा तो एक ही कमेंट था सर। थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू सो मच सुशील जी, थैंक यू विकास जी, कहते किस किस का मैं शुक्रिया करूं, सब शुक्रिया के पात्र हैं ना, मेरा तो कोई वजूद नहीं था, अगर आप लोग ना होते तो मैं किस काबिल हूं जो मेरे को लोग पूछे हैं ना। तो नो डाउट अबाउट इट कि सर एक दूसरे के सहारे से, एक दूसरे के आश्रय से, एक दूसरे पे फेथ करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, और डेफिनेटली इस 6 करोड़ की रकम को वाई रिवॉर्डेड एटॉमी से हम लोग पाने वाले हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ना चाहते हुए एंड करना पड़ेगा। क्यों एंड करना पड़ेगा? क्योंकि कल नया सवेरा होगा, नए दिन होगी, नई मंजिल होगी, नई राह होगी, नए लोग होंगे, नई चीजें होंगी। तो डेफिनेटली अगर आगे चलना है, अगली सुबह देखनी है और दोबारा से आगे बढ़ना है, तो आज एंड करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी सोना ही पड़ेगा। तो पड़ेगा। वेलकम करना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर नहीं एंड करेंगे तो सर सुबह सूरज नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना मुझे पता है कि मैं नहीं सोऊंगा तो सूरज नहीं निकलेगा। और सूरज को निकालना है तो सर सोना पड़ेगा, मीटिंग को एंड करना पड़ेगा, आप सब लोगों को गुड बाय बोलना पड़ेगा, आप लोग से प्यार भरा आशीर्वाद लेना पड़ेगा, और कल के लिए दोबारा रिफ्रेश होके उठ के दोबारा से अपने काम पे लगना होगा। और सबसे यही चाहूंगा कि बिजनेस में आ गए हो तो छोड़ना मत, एक काम जरूर करना, लोगों से अनकंडीशनल लव करना। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव का मतलब है बगैर किसी स्वार्थ से लोगों को प्यार करना, बगैर किसी स्वार्थ के। अगर आपने बगैर किसी स्वार्थ से लोगों को प्यार करना सीख लिया, तो वो दिन दूर नहीं है जब 6 करोड़ की रकम हमको बुलाकर दी जाएगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका डंका भी बजेगा, है ना। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत पेशेंस से मुझे सुना और ऑलमोस्ट आपने 8.5-9-10 ढाई घंटे मीटिंग को दिए, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच अरुण जी, और थैंक यू सो मच सुशील जी, थैंक यू विकास जी, और थैंक यू सबको प्यार भरा नमस्कार। और हम मीटिंग को अब एंड करेंगे और कल मिलेंगे नए लीडर के साथ, नए होस्ट के साथ, नए टॉपिक्स पे, नए जोश और नए जुनून के साथ। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू मनोज जी, और थैंक यू सभी लोगों को। इस सेशन को हम एंड करने जा रहे हैं। जय हिंद सभी को, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद, थैंक यू, गुड नाइट।